अपने पैसे कमाने की जर्नी को स्टार्ट करो हाई बॉक्स के साथ। मिस्ट्री बॉक्सेस के अंदर जो आइटम्स हैं, उनका प्राइस हमेशा मिस्ट्री बॉक्सेस के प्राइस से हायर रहेगा। हाई बॉक्स ऐप पर जो पेमेंट गेटवे अवेलेबल है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपना पेमेंट मेथड चूज कर सकते हैं। चलिए अब हम मिस्ट्री बॉक्स को परचेज करते हैं और मिस्ट्री बॉक्स को ओपन करते हैं और कोई ऐसा आइटम निकल जाता है जिससे आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप रीसेल बटन पर क्लिक कर उसको रीसेल कर सकते हैं। हाई बॉक्स की गारंटी है हमेशा रीसेल का प्राइस ज्यादा ही रहेगा जिस पर आपने मिस्ट्री बॉक्स को परचेज करा था। रीसेल करने के बाद आपको मिलता है लकी ड्रॉ, आप जीत सकते हैं आईफोन, मैकबुक, एलवी बैग एंड कैश रिवॉर्ड्स। मेरा कैश निकल गया, अब मैं इसको क्लेम कर लेता हूँ। रीसेल किया हुआ रिवॉर्ड आप 24 घंटे बाद क्लेम कर सकते हैं। मैंने इन्वेस्ट करे थे 300 रूपए, जिसमें डेली प्रॉफिट मेरा 16 रूपए का हो रहा है और मंथली प्रॉफिट होगा 480 रूपए का। जितना ज्यादा आप रीसेल करोगे उतना ज्यादा आप अर्न कर पाओगे। तो आज ही अपनी अर्निंग की जर्नी को स्टार्ट कीजिए हाई बॉक्स के साथ। 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए, मॉम डैड के बगैर कोई चीज पॉसिबल नहीं। आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए, यहाँ पे 3-4 दोस्त है साथ में। कैसी है पिक्चर? मस्त है, अच्छा है, अच्छी है। ओके हम कैसी है फिल्म? अभी तो फिल्म ऊंचाई ओके कैसी है फिल्म ऊंचाई ठीक है। पिक्चर कैसी है? अच्छी है, अच्छी है। अमन ईरानी जी है, अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन का काम अच्छा है, काम अच्छा है। कहानी कैसी है सर? अच्छी है। कैसी है सर कहानी? नो कमेंट। नो कमेंट नहीं, पिक्चर तो अच्छी है जी। क्या है जिंदगी, ये जी जी जी। कहानी कैसे लगी आपको? अच्छी है, अच्छी है। सूरज बरजात्या ने बनाई है पिक्चर? नहीं नहीं अच्छी है। आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए, यहाँ पे 3-4 दोस्त है साथ में। दिल भर गया, देख के दिल भर गया। अच्छा वही दोस्तों की याद आती। हाँ तो आपको याद आई आपके दोस्तों की पिक्चर देख के? सब ऊपर गए। अच्छा कैसी लगी ऊंचाई? ऊंचाई अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छी बनाई, सुपर हिट, सुपर हिट बनाई। अरे बहुत अच्छा काम है सर। हाँ बच्चन सर, बच्चन साहब, भवन ईरानी, अनुपम खेर, डैनी डैनी सर, असम है सर जी। डैनी सर का तो छोटा काम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट लेकिन ओके है सर का काम तो। लेकिन अमिताभ सर ने तो ना स्क्रीन फाड़ दी। अच्छा सच बोल रहा हूँ, 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए। चढ़ गए हम लोग, दो माला चढ़ते तो जाते कि चढ़ जाते पूरा ऊपर तक, पूरा जाते मतलब आसमान 2 किलोमीटर होगा, खाली उंगली डालो तो गॉड ऊपर से क्या कैसे ऐसा इतनी ऊपर ये उम्र में। तो हम लोग यंगस्टर दो माला चढ़ते तो अरे यार बस हो गया अभी, मतलब क्या है ये फिल्म बोलते इसको, मतलब भर जाता राष्ट्रीय प्रोडक्शन, फैमिली एंटरटेनर। अरे फैमिली टोटल, अभी 2-3 बार भी देखेगी बोर नहीं होंगे। नीना गुप्ता जी है, सारिका जी है, हाँ उनका भी काम बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। अच्छा है, बहुत बेहतरीन कॉमेडी एसेंस, कॉमेडी भी है सर आपको इसमें, कॉमेडी भी है, रोमांटिक भी है और सेट मोमेंट भी बहुत भारी है, मतलब देखेंगे तो रोना आ जाएगा ऐसा। बाकी अगर स्टार्स की अगर बात करें मूवी के लिए तो मैं तो 5 स्टार दूंगा इसको, 5 स्टार देंगे। काम भी सर, मतलब चारों सर लोगों का जो काम है उनके कामों को भी 5 स्टार्स और फिल्म को भी 5 स्टार। पिक्चर लंबी है, 3 घंटे की पिक्चर। हाँ लंबी तो है, 50 मिनट की लंबी है ऐसा, लेकिन कहीं पे भी बोर मोमेंट नहीं, क्योंकि आप एक यंग जनरेशन हो। अरे मुझे ऑडियंस अच्छी लगी, यंग जनरेशन। एक सीन ऐसा है जहाँ पे नीना गुप्ता बेटी है जो जी, उनका बर्थडे सिक्वेंस है वहाँ पे, वो जब लोग पहुँचते हैं ना तो लोग यंगस्टर्स बर्थडे कर रहे हैं, अभी ये ओल्ड आ गए, वो मोमेंट में थोड़ा जरा एक सीखने को मिलता है कि यार मॉम डैड के बगैर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं, सब इम्पॉसिबल है। okay. वहाँ से हमको भी सीखने मिला कि नहीं मॉम डैड है तुम्हारी फ्रेंड से कोई भी हो लेकिन मॉम डैड साथ में होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। बमन ईरानी जी का, बमन ईरानी, अरे सर की बात ही अलग है एकदम, उनका काम तो एकदम, उतना बोलने का जो तरीका है जो सब कुछ है बहुत बेहतर है। ओके गाने पिक्चर, गाने सर देखो इतने तो कोई सब न्यू ही है कोई ऐसा, मतलब मेरे को तो गाने बरजा दिया कि फिल्म आती है तो गानों की जिक्र तो होता ही है। गाने तो हाँ गाने हैं अच्छे है, लेकिन अभी मैंने अभी पूरा फोकस पूरा मूवी पे था तो गाना इतना मैंने ध्यान नहीं दिया,
गाने भी ओके 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 गाने ओके पिक्चर अच्छी लगी। पिक्चर तो बहुत में बताया ना आपको, सीधा निकलते सुपर हिट बोल दिया मैंने। ओके परिणीति के बारे में पूछा, परिणीति का है ऐसा ठीक है लगी है इसमें थोड़ा बहुत परी परी लगी है बस परी लगी है, नहीं तो बाकी सब इसमें ओवर एक्टिंग की दुकान हो तो जी प्रियंका वैसी बात नहीं है ना अभी। प्रियंका चोपड़ा को तो निक जोनस भगा के ले गया अभी, क्या कर सकते, इनका भी काम अच्छा है, मूवी बहुत अच्छी है। क्या दिया परिणीति सब जैसा है कुछ आधा पौना घंटा उनको दिया बीच बीच में मतलब अच्छा। सिर्फ एवरेज पे सबको लेके जाती है okay. कुछ ऐसा मतलब खास नहीं ऐसा कैमियो ही बोला जाए ओके okay, इमोशनल किया है हाँ किया फिल्म ने। चलिए फाइनल वर्डिक्ट जो यंग जनरेशन के ऑडियंस है उनको क्या बोलोगे आप? ये जाके देखो सीखने मिलेगा, मॉम डैड की क्या रिस्पेक्ट होती है, बड़ों की क्या रिस्पेक्ट होती है। तो राशि प्रोडक्शंस की फिल्म में यही होता है, सिखाया जाता है, बाकी की फिल्मों की तरह नहीं कि आया और फोन बुक को कॉल लगा दिया और पब्लिक को एड़ा बना दिया। चले ओके ऊंचाई देख के आए हो आप, कैसे लगे आपको ऊंचाई? फिल्म तो अच्छी थी, अच्छी है अच्छी है पिक्चर ओके। सूरज बरजाते का डायरेक्शन है, हर बार फैमिली एंटरटेनमेंट लेके आते हैं, ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट ही है, ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट ही है और सीनियर सिटीजन के ऊपर ही है ज़्यादा करके। यंग जनरेशन तो मेरे ख्याल से तो नहीं आ सकती है, यंग जनरेशन मेरे ख्याल से तो नहीं देख पाएगी इसको, नहीं देख पाएंगे ओके ओके। तो जो जनरेशन ओल्डर है उनको ज़्यादा भाएगी पिक्चर? हाँ उनको भाएगी ज़्यादा। अच्छा क्या ऐसा करना चाहिए था सूरज बरजा देने की यंग जनरेशन भी आ सकती थी, क्योंकि एक परिणीति को लेके मेरे को नहीं लगता हाँ, उसमें थोड़ा और आएगी। उसमें और कुछ ड्रामा अगर ऐड करते थे यंग जनरेशन को लेके तो मेरे ख्याल से तो हो सकता था वो। अच्छा पर ये देखने गई तो फैमिली फिल्म है ओके, और कुछ फैमिली फिल्म है, फैमिली जाने चाहिए देखने के लिए ओके। बच्चन साहब है, अनुपम खेर, बमन ईरानी, काम कैसा है सबका? हर किसी का रोल अच्छा है उसमें, बच्चन साहब को मतलब थोड़ा उसमें क्या बोलते हैं एज अ फ्रेंड को केयर करते समय दिखाया उसमें। अच्छा बच्चन साहब का रोल अच्छा है उसमें। केमिस्ट्री तीनों दोस्तों की तीनों जो जाते हैं एवरेस्ट तक जमी है, केमिस्ट्री अच्छी हुई है हाँ उसमें मतलब तीनों की अच्छी है। अच्छा ओके अभी फीमेल जो कैरेक्टर्स है सारिका है और नीना गुप्ता है उनके बारे में कुछ बताइए कैसे लगे आपको? उनका भी अच्छा है ओके। स्क्रीन टाइम दिया है उनको बराबर? दिया दिया ठीक ठाक है ठीक ठाक है ओके। कितने मिलेंगे आपकी तरफ से पाँच में से? ऊंचाई में से तीन दे सकते हैं, तीन देंगे। गुड फिल्म देखनी चाहिए, वर्थ वॉचिंग एज अ फैमिली, एज अ फैमिली। थैंक यू। 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए, मॉम डैड के बगैर कोई चीज पॉसिबल नहीं। आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए यहाँ पे? तीन चार दोस्त है साथ में कैसी है पिक्चर? मस्त है, अच्छा है ओके। हम कैसी है फिल्म? अभी तो फिल्म ऊंचाई ओके। कैसी है फिल्म ऊंचाई? ठीक है। पिक्चर कैसी है? अच्छी है। अमन ईरानी जी है, अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन का काम अच्छा है, काम अच्छा है। कहानी कैसी है सर? अच्छी है। कैसी है सर कहानी? नो कमेंट नहीं। पिक्चर तो अच्छी है जी, पर क्या है जिंदगी ये जी। कहानी कैसे लगी आपको? अच्छी है। अच्छी है। सूरज बरजात्या ने बनाई है पिक्चर? नहीं अच्छी है। आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए यहाँ पे? तीन चार दोस्त है साथ में देख के दिल भर गया। अच्छा वही तो था कि याद होती। हाँ तो आपको याद आई आपके दोस्तों की पिक्चर देख के? सब ऊपर गए। अच्छा कैसी लगी ऊंचाई? ऊंचाई अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छी बनाई, सुपर हिट बनाई। अरे बहुत अच्छा काम है सर। हाँ बच्चन सर, बच्चन साहब, भवन ईरानी, अनुपम खेर, डैनी सर, असम है सर जी। डैनी सर का तो छोटा काम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है।
बट लेकिन ओके है सर का काम तो, लेकिन अमिताभ सर ने तो ना स्क्रीन फाड़ दी। अच्छा सच बोलो 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए, चढ़ गए हम लोग दो माला चढ़ते हैं तो तक जाते कि चढ़ जाते हैं पूरा ऊपर तक पूरा जाते हैं, मतलब आसमान 2 किलोमीटर होगा खाली उंगली डालो तो गॉड ऊपर से क्या कैसे ऐसा इतनी ऊपर ये उम्र में तो हम लोग यंगस्टर दो माला चढ़ते तो अरे यार बस हो गया अभी, मतलब क्या है ये फिल्म बोलते इसको, मतलब भर जाता राष्ट्रीय प्रोडक्शन फैमिली एंटरटेनर। अरे फैमिली टोटल अभी 2-3 बार भी देखी बोर नहीं होंगे। नीना गुप्ता जी है, सारिका जी है, हाँ उनका भी काम बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। अच्छा है, बहुत बेहतरीन कॉमेडी एसेंस, कॉमेडी भी है सर आपको इसमें, कॉमेडी भी है, रोमांटिक भी है और सैड मोमेंट भी बहुत भारी है, मतलब देखेंगे तो रोना आ जाएगा ऐसा। बाकी अगर स्टार्स की अगर बात करें मूवी के लिए तो मैं तो 5 स्टार दूंगा इसको, 5 स्टार देंगे। काम भी सर, मतलब चारों सर लोगों का जो काम है उनके कामों को भी 5 स्टार्स और फिल्म को भी 5 स्टार। पिक्चर लंबी है, 3 घंटे की पिक्चर, हाँ लंबी तो है, 50 मिनट की लंबी है ऐसा, लेकिन कहीं पे भी बोर मोमेंट नहीं, क्योंकि आप एक यंग जनरेशन हो। अरे मुझे ऑडियंस अच्छी लगी, यंग जनरेशन। एक सीन ऐसा है जहाँ पे नीना गुप्ता बेटी है जो जी, उनका बर्थडे सिक्वेंस है वहाँ पे, वो जब लोग पहुँचते हैं ना तो लोग यंगस्टर्स बर्थडे कर रहे हैं अभी, ये ओल्ड आ गए, वो मोमेंट में थोड़ा जरा एक सीखने को मिलता है कि यार मॉम डैड के बगैर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, सब इम्पॉसिबल है। okay. वहाँ से हमको भी सीखने मिला कि नहीं मॉम डैड है तुम्हारी फ्रेंड से कोई भी हो लेकिन मॉम डैड साथ में होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। बोमन ईरानी जी का, बोमन ईरानी, अरे सर की बात ही अलग है एकदम, उनका काम तो एकदम, उतना बोलने का जो तरीका है जो सब कुछ है बहुत बेहतर है। ओके okay. गाने पिक्चर, गाने सर देखो इतने तो कोई सब न्यू ही है कोई ऐसा, मतलब मेरे को तो गाने बरजा दिया कि फिल्म आती है तो गानों की जिक्र तो होता ही है। गाने तो हाँ गाने हैं अच्छे हैं, लेकिन अभी मैंने अभी पूरा फोकस पूरा मूवी पे था तो गाना इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। गाने भी ओके ठीक ओके है, ओके गाने ओके। पिक्चर अच्छी लगी, पिक्चर तो बहुत, मैं बताया ना आपको सीधा निकलते सुपर हिट बोल दिया मैंने। okay, परिणीति के बारे में पूछा, परिणीति का है अच्छा ठीक है, लगी है इसमें थोड़ा बहुत परी परी लगी है बस, इसमें परी परी लगी है, नहीं तो बाकी सब इसमें ओवर एक्टिंग की दुकान हो तो जी प्रियंका वैसी बात नहीं है ना अभी, प्रियंका चोपड़ा को तो निक जोनस भगा के ले गया अभी, क्या कर सकते, इनका भी काम अच्छा है, मूवी बहुत अच्छी है। क्या दिया परिणीति सब जैसा है कुछ आधा पौना घंटा उनको दिया है, बीच बीच में मतलब अच्छा। सिर्फ एवरेज पे सबको लेके जाती है okay. कुछ ऐसा मतलब खास नहीं, ऐसा कैमियो ही बोला जाए। ओके इमोशनल किया है, हाँ किया फिल्म ने। चलिए फाइनल वर्डिक्ट जो यंग जनरेशन के ऑडियंस है उनको क्या बोलोगे आप? ये जाके देखो सीखने मिलेगा, मॉम डैड की क्या रिस्पेक्ट होती है, बड़ों की क्या रिस्पेक्ट होती है, तो राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म में यही होता है, सिखाया जाता है, बाकी की फिल्मों की तरह नहीं क्या आया और फोन बुक को कॉल लगा दिया और पब्लिक को एड़ा बना दिया। चले ओके ए, ऊंचाई देख के आए हो आप, कैसे लगे आपको ऊंचाई? फिल्म तो अच्छी थी, अच्छी है, अच्छी है पिक्चर ओके। सूरज बरजाते का डायरेक्शन है, हर बार फैमिली एंटरटेनमेंट लेके आते हैं, तो ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट ही है, ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट ही है और सीनियर सिटीजन के ऊपर ही है ज़्यादा करके, यंग जनरेशन तो मेरे ख्याल से तो नहीं आ सकती है। यंग जनरेशन, यंग जनरेशन मेरे ख्याल से तो नहीं देख पाएगी इसको, नहीं देख पाएंगे नहीं। ओके ओके, तो जो जनरेशन ओल्डर है उनको ज़्यादा भाएगी पिक्चर? हाँ उनको भाएगी ज़्यादा। अच्छा, क्या ऐसा करना चाहिए था सूरज बरजाते ने कि यंग जनरेशन भी आ सकती थी, क्योंकि एक परिणीति को लेके मेरे को नहीं लगता है। उसमें थोड़ा और आएगी, उसमें और कुछ ड्रामा अगर ऐड करते थे यंग जनरेशन को लेके तो मेरे ख्याल से तो हो सकता था वो। अच्छा, पर ये देखने गई तो फैमिली फिल्म है। ओके, और कुछ फैमिली फिल्म है, फैमिली जाने चाहिए देखने के लिए। ओके, बच्चन साहब है, अनुपम खेर, बमन ईरानी, काम कैसा है सबका? हर किसी का रोल अच्छा है उसमें, बच्चन साहब को मतलब थोड़ा उसमें क्या बोलते हैं एज अ फ्रेंड को केयर करते समय दिखाया उसमें। अच्छा, बच्चन सबका रोल अच्छा है उसमें। केमिस्ट्री तीनों दोस्तों की, तीनों जाते हैं एवरेस्ट तक, जमी है केमिस्ट्री, अच्छी हुई है। हाँ उसमें मतलब तीनों की अच्छी है। अच्छा ओके, अभी फीमेल जो कैरेक्टर्स है सारिका है और नीना गुप्ता है, उनके बारे में कुछ बताइए कैसे लगे आपको? उनका भी अच्छा है। स्क्रीन टाइम दिया उनको बराबर? दिया दिया, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। ओके, कितने मिलेंगे आपकी तरफ से 5 में से? ऊंचाई में से 3 दे सकते हैं। 3 देंगे, गुड फिल्म, देखनी चाहिए, वर्थ वॉचिंग एज अ फैमिली, एज अ फैमिली। थैंक यू। 80 साल की उम्र में ये
एवरेज चढ़ गए, मॉम डैड के बगैर कोई चीज पॉसिबल नहीं। आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए यहाँ पे? 3-4 दोस्त है साथ में। कैसी है पिक्चर? मस्त है, अच्छा है। ओके, हम कैसी है फिल्म? हाउ इज द फिल्म? ऊंचाई अच्छी है। ओके, कैसी है फिल्म? ऊंचाई ठीक है। पिक्चर कैसी है? अच्छी है। अमन ईरानी जी है, अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन का काम अच्छा है। काम अच्छा है। कहानी कैसी है सर? अच्छी है। कैसी है सर कहानी? नो कमेंट। नो कमेंट नहीं, पिक्चर तो अच्छी है जी, पर क्या है जिंदगी ये जी। कहानी कैसे लगी आपको? अच्छी है। अच्छी है। सूरज बरजात्या ने बनाई है पिक्चर? नहीं, अच्छी है। आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए यहाँ पे? 3-4 दोस्त है साथ में। तो आपको याद आई आपके दोस्तों की पिक्चर देख के? सब ऊपर गए। अच्छा, कैसी लगी ऊंचाई? ऊंचाई अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छी बनाई, सुपर हिट। सुपर हिट बनाई। अरे बहुत अच्छा काम है सर। हाँ, बच्चन सर, बच्चन साहब, भवन ईरानी, अनुपम खेर, डैनी डैनी सर, औसम है सर जी। डैनी सर का तो छोटा काम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट लेकिन ओके है सर का काम तो। लेकिन अमिताभ सर ने तो ना स्क्रीन फाड़ दी सर। अच्छा, सच बोल रहा हूँ, 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए। चढ़ गए सर, हम लोग दो माला चढ़ते हैं तो जाते हैं कि चढ़ जाते हैं पूरा ऊपर तक, पूरा जाते हैं, मतलब आसमान 2 किलोमीटर होगा, खाली उंगली डालो तो गॉड ऊपर से क्या कैसे ऐसा इतनी ऊपर ये उम्र में। तो हम लोग यंगस्टर दो माला चढ़ते तो अरे यार बस हो गया अभी, मतलब क्या है ये फिल्म बोलते इसको, मतलब भर जाता राष्ट्रीय प्रोडक्शन, फैमिली एंटरटेनर। अरे फैमिली टोटल, अभी 2-3 बार भी देखेंगे बोर नहीं होंगे। नीना गुप्ता जी है, सारिका जी है, हाँ उनका भी काम बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। अच्छा है, बहुत बेहतरीन। कॉमेडी एसेंस, कॉमेडी भी है सर आपको इसमें, कॉमेडी भी है, रोमांटिक भी है, और सेट मोमेंट भी बहुत भारी है, मतलब देखेंगे तो रोना आ जाएगा ऐसा। बाकी अगर स्टार्स की अगर बात करें मूवी के लिए तो मैं तो 5 स्टार दूंगा इसको, 5 स्टार देंगे। काम भी सर, मतलब चारों सर लोगों का जो काम है उनके कामों को भी 5 स्टार और फिल्म को भी 5 स्टार। पिक्चर लंबी है, 3 घंटे की पिक्चर। हाँ लंबी तो है, 50 मिनट की लंबी है ऐसा, लेकिन कहीं पे भी बोर मोमेंट नहीं, क्योंकि आप एक यंग जनरेशन हो। अरे मुझे ऑडियंस तो लगी यंग जनरेशन। एक सीन ऐसा है जहाँ पे नीना गुप्ता बेटी है जो जी, उनका बर्थडे सिक्वेंस है वहाँ पे, वो जब लोग पहुँचते हैं ना तो लोग यंगस्टर्स बर्थडे कर रहे हैं, अभी ये ओल्ड आ गए, वो मोमेंट में थोड़ा जरा एक सीखने को मिलता है कि यार मॉम डैड के बगैर कोई चीज पॉसिबल नहीं, सब इम्पॉसिबल है। okay. वहाँ से हमको भी सीखने मिला कि नहीं मॉम डैड है, तुम्हारी फ्रेंड्स है कोई भी हो लेकिन मॉम डैड साथ में होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। बमन ईरानी जी का, बमन ईरानी, अरे सर की बात ही अलग है एकदम, उनका काम तो एकदम, उतना बोलने का जो तरीका है वो सब कुछ है, बहुत बेहतर है। ओके, गाने पिक्चर गाने सर देखो इतने तो कोई सब न्यू ही है, तो ऐसा मतलब मेरे को तो सूरज बरजात्या की फिल्म आती है तो गानों की जिक्र तो होता ही है। गाने तो हाँ गाने हैं अच्छे है, लेकिन अभी मैंने अभी पूरा फोकस पूरा मूवी पे था तो गाना इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। गाने भी ओके ठीक ओके है, ओके गाने ओके। पिक्चर अच्छी लगी? पिक्चर तो बहुत, मैं बताया ना आपको सीधा निकलते सुपर हिट बोल दिया मैंने। के परिणीति के बारे में पूछा? परिणीति का है अच्छा ठीक है, लगी इसमें थोड़ा बहुत परी परी लगी है बस, इसमें परी परी लगी है, नहीं तो बाकी सब इसमें ओवर एक्टिंग की दुकान है जी। प्रियंका वैसी बात नहीं है ना, अभी प्रियंका चोपड़ा को तो निक जोनस भगा के ले गया, अभी क्या कर सकते, इनका भी काम अच्छा है, मूवी बहुत अच्छी है। क्या दिया परिणीति? सब जैसा है कुछ, आधा पौना घंटा उनको दिया, बीच बीच में, बीच बीच में मतलब सिर्फ एवरेज पे सबको लेके जाती है, कुछ ऐसा मतलब खास नहीं, ऐसा कैमियो ही बोला जाए। ओके, इमोशनल किया है? हाँ किया फिल्म ने। चलिए फाइनल वर्डिक्ट, जो यंग जनरेशन के ऑडियंस है उनको क्या बोलोगे आप? ये जाके देखो, सीखने मिलेगा, मॉम डैड की क्या रिस्पेक्ट होती है, बड़ों की क्या रिस्पेक्ट होती है, राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म में यही होता है, सिखाया जाता है,
बाकी की फिल्मों की तरह नहीं, क्या है और फोन बुक को कॉल लगा दिए और पब्लिक को एड़ा बना दिए। चले ओके, ऊंचाई देख के आए हो आप, कैसे लगे आपको ऊंचाई? फिल्म तो अच्छी थी, तो अच्छी है, अच्छी है पिक्चर। ओके, सूरज बरजाते का डायरेक्शन है, हर बार फैमिली एंटरटेनमेंट लेके आते हैं, तो ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट ही है, ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट ही है और सीनियर सिटीजन के ऊपर ही है ज़्यादा करके। यंग जनरेशन तो मेरे ख्याल से तो नहीं आ सकती है, यंग जनरेशन मेरे ख्याल से तो नहीं देख पाएगी इसको, नहीं देख पाएंगे। ओके ओके, तो जो जनरेशन ओल्डर है उनको ज़्यादा भाएगी पिक्चर? हाँ उनको भाएगी ज़्यादा। अच्छा, क्या ऐसा करना चाहिए था सूरज बरजा देने की, यंग जनरेशन भी आ सकती थी, क्योंकि एक परिणीति को लेके मेरे को नहीं लगता। हाँ, उसमें थोड़ा और आएगी? उसमें और कुछ ड्रामा अगर ऐड करते थे यंग जनरेशन को लेके तो मेरे ख्याल से तो हो सकता था वो। अच्छा, और ये देखने की तो फैमिली फिल्म है। ओके, और कुछ फैमिली फिल्म है, फैमिली जाने चाहिए देखने के लिए। ओके, बच्चन साहब है, अनुपम खेर, बमन ईरानी, काम कैसा है सबका? हर किसी का रोल अच्छा है उसमें। बच्चन साहब को मतलब थोड़ा उसमें क्या बोलते हैं, एज अ फ्रेंड को केयर करते समय दिखाया उसमें। अच्छा, बच्चन साहब का रोल अच्छा है उसमें। केमिस्ट्री तीनों दोस्तों की, तीनों जाते हैं एवरेस्ट तक, जमी है, केमिस्ट्री अच्छी हुई है। हाँ, उसमें मतलब तीनों की अच्छी है। अच्छा ओके, अभी फीमेल जो कैरेक्टर्स है, सारिका है और नीना गुप्ता है, उनके बारे में कुछ बताइए, कैसे लगे आपको? उनका भी अच्छा है। ओके, स्क्रीन टाइम दिया है उनको बराबर? दिया दिया, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। ओके, कितने मिलेंगे आपकी तरफ से, पाँच में से? ऊंचाई में से तीन दे सकते हैं। तीन देंगे, गुड फिल्म, देखनी चाहिए, वर्थ वॉचिंग एज अ फैमिली, एज अ फैमिली। थैंक यू। 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए, मॉम डैड के बगैर कोई चीज पॉसिबल नहीं। आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए यहाँ पे? तीन चार दोस्त है साथ में। कैसी है पिक्चर? ऊंचाई है, अच्छा है। ओके, हम कैसी है फिल्म? अभी तो फिल्म ऊंचाई अच्छी लगी। कैसी है फिल्म ऊंचाई? ठीक है। पिक्चर कैसी है? अच्छी है, अच्छी है। हाँ, अमन ईरानी जी है, अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन का काम अच्छा है, काम अच्छा है। कहानी कैसी है सर? अच्छी है। कैसी है सर कहानी? नो कमेंट। नो कमेंट नहीं, पिक्चर तो अच्छी है जी, पर क्या है जिंदगी, ये जी जी जी। कहानी कैसे लगी आपको? अच्छी है, अच्छी है। सूरज बरजात्या ने बनाई है पिक्चर? नहीं नहीं अच्छी है। आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए यहाँ पे? तीन चार दोस्त है साथ में। दिल भर गया, देख के दिल भर गया। अच्छा, वही तो था कि याद होती। हाँ, तो आपको याद आई आपके दोस्तों की पिक्चर देख के? सब ऊपर गए। अच्छा, कैसी लगी ऊंचाई? ऊंचाई अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छी बनाई, सुपर हिट, सुपर हिट बनाई। अरे बहुत अच्छा काम है सर। हाँ, बच्चन सर, बच्चन साहब, भवन ईरानी, अनुपम खेर, डैनी डैनी सर, औसम है सर जी। डैनी सर का तो छोटा काम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट लेकिन ओके है सर का काम तो। लेकिन अमिताभ सर ने तो ना स्क्रीन फाड़ दी। अच्छा, सच बोल रहा हूँ, 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए, चढ़ गए। हम लोग दो माले चढ़ते तो तक जाते कि चढ़ जाते हैं पूरा ऊपर तक, पूरा जाते हैं, मतलब आसमान 2 किलोमीटर होगा, खाली उंगली डालो तो गॉड ऊपर से क्या कैसे ऐसा इतनी ऊपर ये उम्र में। तो हम लोग यंगस्टर दो माला चढ़ते तो अरे यार बस हो गया अभी, मतलब क्या है ये फिल्म बोलते इसको, मतलब बरजाता राष्ट्रीय प्रोडक्शन, फैमिली एंटरटेनर। अरे फैमिली टोटल, अभी 2-3 बार भी देखेंगे बोर नहीं होंगे। नीना गुप्ता जी है, सारिका जी है, हाँ उनका भी काम बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। अच्छा है, बहुत बेहतरीन कॉमेडी एसेंस, कॉमेडी भी है सर आपको इसमें, कॉमेडी भी है, रोमांटिक भी है और सैड मोमेंट भी बहुत भारी है, मतलब देखेंगे तो रोना आ जाएगा ऐसा। बाकी अगर
स्टार्स की अगर बात करें मूवी के लिए तो मैं तो 5 स्टार दूंगा इसको, 5 स्टार देंगे। काम भी सर, मतलब चारों सर लोगों का जो काम है उनके कामों को भी 5 स्टार और फिल्म को भी 5 स्टार। पिक्चर लंबी है, 3 घंटे की पिक्चर। हाँ लंबी तो है, 50 मिनट की लंबी है ऐसा, लेकिन कहीं पे भी बोर मूवमेंट नहीं, क्योंकि आप एक यंग जनरेशन हो। अरे मुझे ऑडियंस अच्छी लगी, यंग जनरेशन। एक सीन ऐसा है जहाँ पे नीना गुप्ता बेटी है जो जी, उनका बर्थडे सीक्वेंस है वहाँ पे, वो जब लोग पहुँचते हैं ना तो लोग यंगस्टर्स बर्थडे कर रहे हैं, अभी ये ओल्ड आ गए, वो मोमेंट में थोड़ा जरा एक सीखने को मिलता है कि यार मॉम डैड के बगैर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं, सब इम्पॉसिबल है। okay. वहाँ से हमको भी सीखने मिला कि नहीं मॉम डैड है, तुम्हारी फ्रेंड्स है कोई भी हो लेकिन मॉम डैड साथ में होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। बोमन ईरानी जी का, बोमन ईरानी, अरे सर की बात ही अलग है एकदम, उनका काम तो एकदम, उसका बोलने का जो तरीका है वो सब कुछ है बहुत बेहतर है। ओके गाने पिक्चर, गाने सर देखो इतने तो कोई सब न्यू ही है, तो ऐसा मतलब मेरे को तो सूरज बरजा दिया कि फिल्म आती है तो गानों की जिक्र तो होता ही है। गाने तो हाँ गाने हैं अच्छे है, लेकिन अभी मैंने अभी पूरा फोकस पूरा मूवी पे था तो गाना इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। गाने भी ओके ठीक ओके है, ओके गाने ओके, पिक्चर अच्छी लगी। पिक्चर तो बहुत, मैं बताया ना आपको सीधा निकलते सुपरहिट बोल दिया मैंने। के परिणीति के बारे में पूछा, परिणीति का है अच्छा ठीक है, लगी है इसमें थोड़ा बहुत परी परी लगी है बस, परी 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 लगी है, नहीं तो बाकी सब इसमें ओवर एक्टिंग की दुकानें हो जी। प्रियंका वैसी बात नहीं है ना, अभी प्रियंका चोपड़ा को तो निक जोनस भगा के ले गया, अभी क्या कर सकते, इनका भी काम अच्छा है, मूवी बहुत अच्छी है। क्या दिया परिणीति, सब जैसा है कुछ आधा पौना घंटा उनको दिया, बीच बीच में मतलब अच्छा। सिर्फ एवरेस्ट पे सबको लेके जाती है okay. कुछ ऐसा मतलब खास नहीं, ऐसा कैमियो ही बोला जाए। ओके इमोशनल किया है, हाँ किया फिल्म ने। चलिए फाइनल वर्डिक्ट, जो यंग जनरेशन के ऑडियंस है उनको क्या बोलोगे आप? ये जाके देखो सीखने मिलेगा, मॉम डैड की क्या रिस्पेक्ट होती है, बड़ों की क्या रिस्पेक्ट होती है, फिर राशि प्रोडक्शंस की फिल्म में यही होता है, सिखाया जाता है, बाकी की फिल्मों की तरह नहीं क्या आया और फोन बुक को कॉल लगा दिया और पब्लिक को एड़ा बना दिया। चले ओके ए, ऊंचाई देख के आए हो आप, कैसे लगे आपको ऊंचाई? फिल्म तो अच्छी थी, अच्छी है, अच्छी है पिक्चर। ओके सूरज बरजाते का डायरेक्शन है, हर बार फैमिली एंटरटेनमेंट लेके आते हैं, तो ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट नहीं है, ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट नहीं है और सीनियर सिटीजन के ऊपर ही ऐसा ज़्यादा करके, यंग जनरेशन तो मेरे ख्याल से तो नहीं आ सकती है। यंग जनरेशन मेरे ख्याल से तो नहीं देख पाएगी इसको, नहीं देख पाएंगे नहीं। ओके ओके, तो जो जनरेशन ओल्डर है उनको ज़्यादा भाएगी पिक्चर? हाँ उनको भाएगी ज़्यादा। अच्छा क्या ऐसा करना चाहिए था सूरज बरजा देने की, यंग जनरेशन भी आ सकती थी, क्योंकि एक परिणीति को लेके मेरे को नहीं लगता। हाँ, उसमें थोड़ा और उसमें और कुछ ड्रामा अगर ऐड करते थे यंग जनरेशन को लेके तो मेरे ख्याल से तो हो सकता था वो। अच्छा और ये देखने के लिए तो फैमिली फिल्म है। ओके और कुछ फैमिली फिल्म है, फैमिली जाने फैमिली चाहिए देखने के लिए। ओके बच्चन साहब है, अनुपम खेर, बमन ईरानी, सब मतलब काम कैसा है सबका? हर किसी का रोल अच्छा है उसमें। बच्चन साहब को मतलब थोड़ा उसमें क्या बोलते हैं एज अ फ्रेंड को केयर करते समय दिखाया उसमें। अच्छा बच्चन साहब का रोल अच्छा है उसमें। केमिस्ट्री तीनों दोस्तों की तीनों जो जाते हैं एवरेस्ट तक जमी है, केमिस्ट्री अच्छी हुई है। हाँ उसमें मतलब तीनों की अच्छी है। अच्छा ओके अभी फीमेल जो कैरेक्टर्स है सारिका है और नीना गुप्ता है, उनके बारे में कुछ बताइए कैसे लगे आपको? उनका भी अच्छा है। ओके स्क्रीन टाइम दिया है उनको बराबर? दिया दिया ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। ओके कितने मिलेंगे आपकी तरफ से? 5 में से ऊंचाई में से 3 दे सकते हैं। 3 देंगे। गुड फिल्म देखनी चाहिए, वर्थ वॉचिंग एज अ फैमिली, एज अ फैमिली। थैंक यू। 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए, मॉम डैड के बगैर कोई चीज पॉसिबल नहीं। आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए यहाँ पे? 3-4 दोस्त है साथ में। कैसी है पिक्चर? ऊंचाई अच्छा है, अच्छी है। ओके हम कैसी है फिल्म? अभी तो फिल्म ऊंचाई अच्छी है। ओके कैसी है फिल्म ऊंचाई? ठीक है। पिक्चर कैसी है? अच्छी है, अच्छी है। हाँ अमन ईरानी जी है, अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन का काम अच्छा है, काम अच्छा है। कहानी कैसी है सर? अच्छी है। कैसी है सर कहानी? नो कमेंट। नो कमेंट नहीं, पिक्चर तो अच्छी है जी,
क्या है जिंदगी, ये यही जी जी जी। कहानी कैसे लगी आपको? अच्छी है। अच्छी है। सूरज बरजात्या ने बनाई है पिक्चर? नहीं नहीं अच्छी है। आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए? यहाँ पे 3-4 दोस्त है साथ में। दिल भर गया, देख के दिल भर गया। अच्छा वही दोस्त की याद आती। हाँ तो आपको याद आई आपके दोस्तों की पिक्चर देख के? सब ऊपर गया। अच्छा कैसी लगी ऊंचाई? ऊंचाई अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छी बनाई? सुपर हिट। सुपर हिट बनाई। अरे बहुत अच्छा काम है सर। हाँ बच्चन सर, बच्चन साहब, भवन हिरानी, अनुपम खेर, डैनी सर, औसम है सर जी। डैनी सर का तो छोटा काम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट लेकिन ओके है सर का काम तो। लेकिन अमिताभ सर ने तो ना स्क्रीन फाड़ दी। अच्छा सच बोलो, 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए। चढ़ गए हम लोग, दो माला चढ़ गए तक जाते कि चढ़ जाते पूरा ऊपर तक, पूरा जाते मतलब आसमान 2 किलोमीटर होगा, खाली उंगली डालो तो गॉड ऊपर से क्या होगा कैसे ऐसा इतनी ऊपर ये उम्र में। तो हम लोग यंगस्टर दो माला चढ़ते तो अरे यार बस हो गया अभी, मतलब क्या है ये फिल्म बोलते इसको, मतलब भर जाता राष्ट्रीय प्रोडक्शन, फैमिली एंटरटेनर। अरे फैमिली टोटल, अभी 2-3 बार भी देखेगी बोर नहीं होंगे। नीना गुप्ता जी है, सारिका जी है, हाँ उनका भी काम बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। अच्छा है, बहुत बेहतरीन। कॉमेडी एसेंस, कॉमेडी भी है सर आपको इसमें, कॉमेडी भी है, रोमांटिक भी है, और सैड मोमेंट भी बहुत भारी है, मतलब देखेंगे तो रोना आ जाएगा ऐसा। बाकी अगर स्टार्स की अगर बात करें मूवी के लिए तो मैं तो 5 स्टार दूंगा इसको, 5 स्टार देंगे। काम भी सर, मतलब चारों सर लोगों का जो काम है उनके कामों को भी 5 स्टार और फिल्म को भी 5 स्टार। पिक्चर लंबी है, 3 घंटे की पिक्चर। हाँ लंबी तो है, 50 मिनट की लंबी है ऐसा, लेकिन कहीं पे भी बोर मोमेंट नहीं, क्योंकि आप एक यंग जनरेशन हो। अरे मुझे ऑडियंस आप एक यंग जनरेशन। एक सीन ऐसा है जहाँ पे नीना गुप्ता बेटी है जो जी, उनका बर्थडे सिक्वेंस है वहाँ पे, वो जब लोग पहुँचते हैं ना तो लोग यंगस्टर्स बर्थडे कर रहे हैं, अभी ये ओल्ड आ गए, वो मोमेंट में थोड़ा जरा एक सीखने को मिलता है कि यार मॉम डैड के बगैर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं, सब इम्पॉसिबल है। वहाँ से हमको भी सीखने मिला कि नहीं मॉम डैड है, तुम्हारी फ्रेंड्स है कोई भी हो लेकिन मॉम डैड साथ में होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। बमन ईरानी जी का, बमन ईरानी, अरे सर की बात ही अलग है एकदम, उनका काम तो एकदम, उसका बोलने का जो तरीका है जो सब कुछ है बहुत बेहतर है। ओके गाने, पिक्चर गाने सर देखो इतने तो कोई सब न्यू ही है कोई ऐसा, मतलब मेरे को तो गाने भर जाते हैं कि फिल्म आती है तो गानों की जिक्र तो होता ही है। गाने तो हाँ गाने हैं अच्छे है, लेकिन अभी मैंने अभी पूरा फोकस पूरा मूवी पे था तो गाना इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। गाने भी ओके ठीक ओके है, ओके गाने ओके, तो। पिक्चर अच्छी लगी। पिक्चर तो बहुत, मैं बताया ना आपको सीधा निकलते सुपर हिट बोल दिया मैंने। परिणीति के बारे में पूछा, परिणीति का है अच्छा ठीक है, लगी है इसमें थोड़ा बहुत परी परी लगी है बस, इसमें परी परी लगी है, नहीं तो बाकी सब इसमें ओवर एक्टिंग की दुकान हो जी। प्रियंका वैसी बात नहीं है ना, अभी प्रियंका चोपड़ा को तो निक जोनस भगा के ले गया, अभी क्या कर सकते, इनका भी काम अच्छा है, मूवी बहुत अच्छी है। क्या दिया परिणीति को? सब जैसा है कुछ, आधा पौना घंटा उनको दिया, बीच बीच में मतलब अच्छा। सिर्फ एवरेज पे सबको लेके जाती है okay. कुछ ऐसा मतलब खास नहीं, ऐसा कैमियो ही बोला जाए। ओके इमोशनल किया है? हाँ किया फिल्म ने। चलिए फाइनल वर्डिक्ट, जो यंग जनरेशन के ऑडियंस है उनको क्या बोलोगे आप? ये जाके देखो सीखने मिलेगा, मॉम डैड की क्या रिस्पेक्ट होती है, बड़ों की क्या रिस्पेक्ट होती है, तो राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म में यही होता है, सिखाया जाता है, बाकी की फिल्मों की तरह नहीं क्या है और फोन बुथ को कॉल लगा दिए और पब्लिक को एड़ा बना दिए। चले ओके ए, ऊंचाई देख के आए हो आप, कैसे लगे आपको ऊंचाई? फिल्म तो अच्छी थी, तो अच्छी है, अच्छी है पिक्चर ओके। सूरज बरजाते का डायरेक्शन है, हर बार फैमिली एंटरटेनमेंट लेके आते हैं, तो ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट ही है, ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट ही है और सीनियर सिटीजन के ऊपर ही है सर ज़्यादा करके, यंग जनरेशन तो मेरे ख्याल से तो नहीं आ सकती है। यंग जनरेशन, यंग जनरेशन मेरे ख्याल से तो नहीं देख पाएगी इसको, नहीं देख पाएंगे नहीं। ओके ओके, तो जो जनरेशन ओल्डर है उनको ज़्यादा भाएगी पिक्चर? हाँ उनको भाएगी ज़्यादा। अच्छा,
क्या ऐसा करना चाहिए था सूरज बर्जा देने की, यंग जनरेशन भी आ सकती थी, क्योंकि एक परिणीति को लेके मेरे को नहीं लगता उसमें थोड़ा और उसमें और कुछ ड्रामा अगर ऐड करते थे यंग जनरेशन को लेके तो मेरे ख्याल से तो हो सकता था वो। अच्छा। पर ये देखने की तो फैमिली फिल्म है। ओके। और कुछ फैमिली फिल्म है, फैमिली जाने फैमिली चाहिए देखने के लिए। ओके, बच्चन साहब है, अनुपम खेर, बमन ईरानी, सब मतलब काम कैसा है सबका? हर किसी का रोल अच्छा है उसमें। बच्चन साहब को मतलब थोड़ा उसमें क्या बोलते हैं एज अ फ्रेंड को केयर करते समय दिखाया है उसमें। अच्छा। बच्चन साहब का रोल अच्छा है उसमें। केमिस्ट्री तीनों दोस्तों की जो जाते हैं एवरेस्ट तक, जमी है केमिस्ट्री, अच्छी हुई है। हाँ, उसमें मतलब तीनों की अच्छी है। अच्छा। ओके। अभी फीमेल जो कैरेक्टर्स है, सारिका है और नीना गुप्ता है, उनके बारे में कुछ बताइए, कैसे लगे आपको? इनका भी अच्छा है। ओके। स्क्रीन टाइम दिया है उनको बराबर? दिया दिया। ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। ओके। कितने मिलेंगे आपकी तरफ से? पाँच में से ऊंचाई में से तीन दे सकते हैं। तीन देंगे। गुड फिल्म, देखनी चाहिए, वर्थ वॉचिंग एज अ फैमिली। एज अ फैमिली। थैंक यू। 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए, मॉम डैड के बगैर कोई चीज पॉसिबल नहीं। आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए यहाँ पे? तीन चार दोस्त है साथ में। दिल भर गया। कैसी है पिक्चर? मस्त है, अच्छा है। ओके। हम कैसी है फिल्म? अभी तो फिल्म ऊंचाई। ओके। कैसी है फिल्म ऊंचाई? ठीक है। पिक्चर कैसी है? अच्छी है। अच्छी है। अमन ईरानी जी है, अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन का काम अच्छा है। काम अच्छा है। कहानी कैसी है सर? अच्छी है। कैसी है सर कहानी? नो कमेंट। नो कमेंट नहीं। पिक्चर तो अच्छी है जी, क्या है जिंदगी ये यही जी जी जी। कहानी कैसे लगी आपको? अच्छी है। अच्छी है। सूरज बरजात्या ने बनाई है पिक्चर? नहीं नहीं अच्छी है। आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए यहाँ पे? तीन चार दोस्त है साथ में। दिल भर गया, देख के दिल भर गया। अच्छा। वही तो था कि याद आती। हाँ, तो आपको याद आई आपके दोस्तों की पिक्चर देख के? सब ऊपर गए। अच्छा। कैसी लगी ऊंचाई? ऊंचाई अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छी बनाई? सुपर हिट। सुपर हिट बनाई। अरे बहुत अच्छा काम है सर। हाँ, बच्चन सर, बच्चन साहब, पवन ईरानी, अनुपम खेर, डैनी डैनी सर, असम है सर जी। डैनी सर का तो छोटा काम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट लेकिन ओके है सर का काम तो। लेकिन अमिताभ सर ने तो ना स्क्रीन फाड़ दी। अच्छा। सच बोलो, 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए। चढ़ गए हम लोग, दो माला चढ़ते तो तक जाते कि चढ़ जाते पूरा ऊपर तक, पूरा जाते मतलब आसमान 2 किलोमीटर होगा, खाली उंगली डालो तो गॉड ऊपर से क्या कैसे ऐसा इतनी ऊपर ये उम्र में तो हम लोग यंगस्टर दो माला चढ़ते तो अरे यार बस हो गया अभी। मतलब क्या है ये फिल्म बोलते इसको, मतलब भर जाता राष्ट्रीय प्रोडक्शन, फैमिली एंटरटेनर। अरे फैमिली टोटल अभी दो तीन बार भी देखेगी बोर नहीं होंगे। नीना गुप्ता जी है, सारिका जी है। हाँ, उनका भी काम बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। अच्छा है, बहुत बेहतरीन। कॉमेडी एसेंस, कॉमेडी भी है सर आपको इसमें, कॉमेडी भी है, रोमांटिक भी है और सैड मोमेंट भी बहुत भारी है, मतलब देखेंगे तो रोना आ जाएगा ऐसा। बाकी अगर स्टार्स की अगर बात करें मूवी के लिए तो मैं तो 5 स्टार दूंगा इसको। 5 स्टार देंगे। काम भी सर, मतलब चारों सर लोगों का जो काम है उनके कामों को भी 5 स्टार और फिल्म को भी 5 स्टार। पिक्चर लंबी है, 3 घंटे की पिक्चर। हाँ, लंबी तो है, 50 मिनट की लंबी है ऐसा, लेकिन कहीं पे भी बोर मोमेंट नहीं, क्योंकि आप एक यंग जनरेशन हो। अरे मुझे ऑडियंस अच्छी लगी, यंग जनरेशन। एक सीन ऐसा है जहाँ पे नीना गुप्ता बेटी है जो जी, उनका बर्थडे सिक्वेंस है वहाँ पे, वो जब लोग पहुँचते हैं ना तो लोग यंगस्टर्स बर्थडे कर रहे हैं, अभी ये ओल्ड आ गए, वो मोमेंट में थोड़ा जरा एक सीखने को मिलता है कि यार मॉम डैड के बगैर कोई चीज पॉसिबल नहीं, सब इम्पॉसिबल है। okay. वहाँ से हमको भी सीखने मिला कि नहीं, मॉम डैड है, तुम्हारी फ्रेंड्स है कोई भी हो लेकिन मॉम डैड साथ में होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। बमन ईरानी जी का, बमन ईरानी, अरे सर की बात ही अलग है एकदम।
उनका काम तो एकदम उतना बोलने का जो तरीका है वो सब कुछ है बहुत बेहतर है। ओके गाने पिक्चर गाने सर देखो इतने तो कोई सब न्यू ही है कोई ऐसा मतलब मेरे को तो गाने भर जाते हैं कि फिल्म आती है तो गानों की जिक्र तो होता ही है। गाने तो हाँ गाने हैं अच्छे हैं लेकिन अभी मैंने अभी पूरा फोकस पूरा मूवी पे था तो गाना इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। गाने भी ओके ठीक ओके है। ओके गाने ओके पिक्चर अच्छी लगी। पिक्चर तो बहुत में बताया ना आपको सीधा निकलते सुपर हिट बोल दिया मैंने। के परिणीति के बारे में पूछा परिणीति का है अच्छा ठीक है लगी है इसमें थोड़ा बहुत परी परी लगी है बस परी इसमें परी परी लगी है नहीं तो बाकी सब इसमें ओवर एक्टिंग की दुकानें हो जी। प्रियंका वैसी बात नहीं है ना अभी प्रियंका चोपड़ा को तो निक जोनस भगा के ले गया अभी क्या कर सकते इनका भी काम अच्छा है मूवी बहुत अच्छी है। परिणीति सब जैसा है कुछ आधा पौना घंटा उनको दिया बीच बीच में मतलब अच्छा। सिर्फ एवरेज पे सबको लेके जाती है okay. कुछ ऐसा मतलब खास नहीं ऐसा कैमियो ही बोला जाए। ओके इमोशनल किया है हाँ किया फिल्म ने। चलिए फाइनल वर्डिक्ट जो यंग जनरेशन के ऑडियंस है उनको क्या बोलोगे आप? ये जाके देखो सीखने मिलेगा मॉम डैड की क्या रिस्पेक्ट होती है बड़ों की क्या रिस्पेक्ट होती है। फिर राशि प्रोडक्शंस की फिल्म में यही होता है सिखाया जाता है बाकी की फिल्मों की तरह नहीं क्या है और फोन बुक को कॉल लगा दिया और पब्लिक को एड़ा बना दिया। चले ओके ऊंचाई देख के आए हो आप कैसे लगे आपको ऊंचाई? फिल्म तो अच्छी थी वो अच्छी है पिक्चर ओके सूरज बरजाते का डायरेक्शन है हर बार फैमिली एंटरटेनमेंट लेके आते हैं तो ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट ही है। ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट ही है और सीनियर सिटीजन के ऊपर ही है ज़्यादा करके। यंग जनरेशन तो मेरे ख्याल से तो नहीं आ सकती है। यंग जनरेशन मेरे ख्याल से तो नहीं देख पाएगी इसको नहीं देख पाएंगे नहीं देख। ओके ओके तो जो जनरेशन ओल्डर है उनको ज़्यादा भाएगी पिक्चर? हाँ उनको भाएगी ज़्यादा। अच्छा क्या ऐसा करना चाहिए था सूरज बरजा देने की यंग जनरेशन भी आ सकती थी क्योंकि एक परिणीति को लेके मेरे को नहीं लगता हाँ, उसमें थोड़ा और उसमें और कुछ ड्रामा अगर ऐड करते थे यंग जनरेशन को लेके तो मेरे ख्याल से तो हो सकता था वो। अच्छा और ये देखने की तो फैमिली फिल्म है ओके और कुछ फैमिली फिल्म है फैमिली जाने के लिए। ओके बच्चन साहब है अनुपम खेर बमन ईरानी काम कैसा है सबका? हर किसी का रोल अच्छा है उसमें। बच्चन साहब को मतलब थोड़ा उसमें क्या बोलते हैं एज अ फ्रेंड को केयर करते समय दिखाया है उसमें। अच्छा बच्चन साहब का रोल अच्छा है उसमें। केमिस्ट्री तीनों दोस्तों की तीनों जाते हैं एवरेस्ट तक जमी है केमिस्ट्री अच्छी हुई है? हाँ उसमें मतलब तीनों की अच्छी है। अच्छा ओके अभी फीमेल जो कैरेक्टर्स है सारिका है और नीना गुप्ता है उनके बारे में कुछ बताइए कैसे लगे आपको? उनका भी अच्छा है। ओके स्क्रीन टाइम दिया है उनको बराबर? दिया दिया ठीक ठाक है ठीक ठाक है। ओके कितने मिलेंगे आपकी तरफ से? पाँच में से ऊंचाई में से तीन दे सकते हैं। तीन देंगे गुड फिल्म देखनी चाहिए वर्थ वॉचिंग एज अ फैमिली एज अ फैमिली। थैंक यू। 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए मॉम डैड के बगैर कोई चीज पॉसिबल नहीं। आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए यहाँ पे तीन चार दोस्त है साथ में कैसी है पिक्चर? मस्त है अच्छा है ओके हम कैसी है फिल्म? अभी तो फिल्म ऊंचाई ओके कैसी है फिल्म ऊंचाई ठीक है। पिक्चर कैसी है? अच्छी है हाँ। अमन ईरानी जी है अमिताभ बच्चन है अमिताभ बच्चन का काम अच्छा है काम अच्छा है। कहानी कैसी है सर? अच्छी है। कैसी है सर कहानी? नो कमेंट नहीं पिक्चर तो अच्छी है जी पर क्या है जिंदगी ये जी कहानी कैसे लगी आपको? अच्छी है सूरज बरजात्या ने बनाई है पिक्चर नहीं अच्छी है। आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए यहाँ पे तीन चार दोस्त है साथ में देख के दिल भर गया। अच्छा वही तो था कि याद होती तो आपको याद आई आपके दोस्तों की पिक्चर देख के
सब ऊपर गए। अच्छा कैसी लगी ऊंचाई? ऊंचाई अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छी बनाई, सुपर हिट है, सुपर हिट बनाई। अरे बहुत अच्छा काम है सर। हाँ बच्चन सर, बच्चन साहब, भवन ईरानी, अनुपम खेर, डैनी डैनी सर, असम है सर जी। डैनी सर का तो छोटा काम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट लेकिन ओके है सर का काम तो। लेकिन अमिताभ सर ने तो ना स्क्रीन फाड़ दी सर। अच्छा सच बोलो, 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए, चढ़ गए हम लोग। दो माला चढ़ते तो जाते कि चढ़ जाते हैं पूरा ऊपर तक, पूरा जाते मतलब आसमान 2 किलोमीटर होगा, खाली उंगली डालो तो गॉड ऊपर से क्या कैसे ऐसा इतनी ऊपर ये उम्र में। तो हम लोग यंगस्टर दो माला चढ़ते तो अरे यार बस हो गया अभी, मतलब क्या है ये फिल्म बोलते इसको, मतलब भर जाता राष्ट्रीय प्रोडक्शन, फैमिली एंटरटेनर। अरे फैमिली टोटल अभी 2-3 बार भी देखेगी बोर नहीं होंगे। नीना गुप्ता जी है, सारिका जी है, हाँ उनका भी काम बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। अच्छा है, बहुत बेहतरीन कॉमेडी एसेंस, कॉमेडी भी है सर आपको इसमें, कॉमेडी भी है, रोमांटिक भी है, और सेट मोमेंट भी बहुत भारी है, मतलब देखेंगे तो रोना आ जाएगा ऐसा। बाकी अगर स्टार्स की अगर बात करें मूवी के लिए तो मैं तो 5 स्टार दूंगा इसको, 5 स्टार देंगे। काम भी सर, मतलब चारों सर लोगों का जो काम है उनके कामों को भी 5 स्टार और फिल्म को भी 5 स्टार। पिक्चर लंबी है, 3 घंटे की पिक्चर। हाँ लंबी तो है, 50 मिनट की लंबी है ऐसा, लेकिन कहीं पे भी बोर मूवमेंट नहीं, क्योंकि आप एक यंग जनरेशन हो। अरे मुझे तो बहुत अच्छी लगी यंग जनरेशन। एक सीन ऐसा है जहाँ पे नीना गुप्ता बेटी है जो जी, उनका बर्थडे सिक्वेंस है वहाँ पे, वो जब लोग पहुँचते हैं ना तो लोग यंगस्टर्स बर्थडे कर रहे हैं, अभी ये ओल्ड आ गए, वो मोमेंट में थोड़ा जरा एक सीखने को मिलता है कि यार मॉम डैड के बगैर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं, सब इम्पॉसिबल है। okay. वहाँ से हमको भी सीखने मिला कि नहीं मॉम डैड है तुम्हारी फ्रेंड्स है कोई भी हो, लेकिन मॉम डैड साथ में होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। बोमन ईरानी जी का, बोमन ईरानी, अरे सर की बात ही अलग है एकदम, उनका काम तो एकदम, उतना बोलने का जो तरीका है वो सब मुझे बहुत बेहतर है। ओके गाने, पिक्चर गाने सर देखो इतने तो कोई सब न्यू ही है कोई ऐसा, मतलब मेरे को तो गाने बजा दिया कि फिल्म आती है तो गानों की जिक्र तो होता ही है। गाने तो हाँ गाने हैं अच्छे है, लेकिन अभी मैंने अभी पूरा फोकस पूरा मूवी पे था तो गाना इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ गाने भी ओके ठीक ओके है, ओके है गाने ओके तो। पिक्चर अच्छी लगी, पिक्चर तो बहुत, में बताया ना आपको सीधा निकलते सुपर हिट बोल दिया मैंने। परिणीति के बारे में पूछा, परिणीति का है ऐसा ठीक है लगी इसमें थोड़ा बहुत परी परी लगी है बस, परी परी लगी है, नहीं तो बाकी सब इसमें ओवर एक्टिंग की दुकानें हो तो जी। प्रियंका वैसी बात नहीं है ना अभी, प्रियंका चोपड़ा को तो जी निक जोनस भगा के ले गया अभी, क्या कर सकते, इनका भी काम अच्छा है, मूवी बहुत अच्छी है। क्या दिया परिणीति को? सब जैसा है कुछ आधा पौना घंटा उनको दिया, बीच बीच में मतलब सिर्फ एवरेस्ट पे सबको लेके जाती है कुछ ऐसा, मतलब खास नहीं ऐसा कैमियो ही बोला जाए। ओके इमोशनल किया है, हाँ किया फिल्म ने। चलिए फाइनल वर्डिक्ट जो यंग जनरेशन के ऑडियंस है उनको क्या बोलोगे आप? ये जाके देखो सीखने मिलेगा, मॉम डैड की क्या रिस्पेक्ट होती है, बड़ों की क्या रिस्पेक्ट होती है, तो राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म में यही होता है, सिखाया जाता है, बाकी की फिल्मों की तरह नहीं क्या है और फोन बुक को कॉल लगा दिया और पब्लिक को एड़ा बना दिया। चले ओके ऊंचाई देख के आए हो आप, कैसे लगे आपको ऊंचाई? फिल्म तो अच्छी थी, अच्छी है, अच्छी है। ओके सूरज बरजाते का डायरेक्शन है, हर बार फैमिली एंटरटेनमेंट लेके आते हैं, तो ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट नहीं है, ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट नहीं है और सीनियर सिटीजन के ऊपर ही है ज़्यादा करके। यंग जनरेशन तो मेरे ख्याल से तो नहीं आ सकती है, यंग जनरेशन मेरे ख्याल से तो नहीं देख पाएगी इसको, नहीं देख पाएंगे नहीं। ओके ओके तो जो जनरेशन ओल्डर है उनको ज़्यादा भाएगी पिक्चर? हाँ उनको भाएगी ज़्यादा। अच्छा क्या ऐसा करना चाहिए था सूरज बरजा देने की यंग जनरेशन भी आ सकती थी, क्योंकि एक परिणीति को लेके मेरे को नहीं लगता। हाँ, उसमें थोड़ा और उसमें और कुछ ड्रामा अगर ऐड करते थे यंग जनरेशन को लेके तो मेरे ख्याल से तो हो सकता था वो। अच्छा और ये देखने की तो फैमिली फिल्म है। ओके और कुछ फैमिली फिल्म है, फैमिली जाने के लिए। ओके बच्चन साहब है, अनुपम खेर, बच्चन साहब, मतलब हर किसी का रोल अच्छा है उसमें। बच्चन साहब को मतलब थोड़ा उसमें क्या बोलते हैं एज अ फ्रेंड को केयर करते समय दिखाया है उसमें। अच्छा बच्चन साहब का रोल अच्छा है उसमें। केमिस्ट्री तीनों दोस्तों की तीनों जाते हैं एवरेस्ट तक जमी है, केमिस्ट्री अच्छी हुई है। हाँ उसमें मतलब तीनों की अच्छी है। अच्छा ओके अभी फीमेल जो कैरेक्टर्स है सारिका है,
और नीना गुप्ता है, उनके बारे में कुछ बताइए कैसे लगे आपको? उनका भी अच्छा है। ओके, स्क्रीन टाइम दिया है उनको बराबर? दिया दिया। ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। ओके, कितने मिलेंगे आपकी तरफ से? पाँच में से ऊंचाई में से तीन दे सकते हैं। तीन देंगे। गुड फिल्म, देखनी चाहिए, वर्थ वॉचिंग एज अ फैमिली। थैंक यू। 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए, मॉम डैड के बगैर कोई चीज पॉसिबल नहीं। आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए? यहाँ पे तीन चार दोस्त है साथ में। दिल भर गया। कैसी है पिक्चर? अच्छा है। ठीक है। ओके, हम कैसी है फिल्म? अभी तो फिल्म ऊंचाई। ओके, कैसी है फिल्म ऊंचाई? ठीक है। पिक्चर कैसी है? अच्छी है। अच्छी है। अमन ईरानी जी है, अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन का काम अच्छा है। काम अच्छा है। कहानी कैसी है सर? अच्छी है। कैसी है सर कहानी? नो कमेंट। नो कमेंट नहीं। पिक्चर तो अच्छी है जी, पर क्या है जिंदगी, ये यही जी जी जी। कहानी कैसे लगी आपको? अच्छी है। अच्छी है। सूरज बरजात्या ने बनाई है पिक्चर? नहीं नहीं अच्छी है। आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए? यहाँ पे तीन चार दोस्त है साथ में। दिल भर गया, देख के दिल भर गया। अच्छा, वही तो थकी है। हाँ, तो आपको याद आई आपके दोस्तों की पिक्चर देख के? सब ऊपर गए। अच्छा, कैसी लगी ऊंचाई? ऊंचाई अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छी बनाई? सुपर हिट। सुपर हिट बनाई। अरे बहुत अच्छा काम है सर। हाँ, बच्चन सर, बच्चन साहब, पवन ईरानी, अनुपम खेर, डैनी डैनी सर, औसम है सर जी। डैनी सर का तो छोटा काम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट लेकिन ओके है सर का काम तो। लेकिन अमिताभ सर ने तो ना स्क्रीन फाड़ दी। अच्छा, सच बोल रहा हूँ, 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए। चढ़ गए हम लोग, दो माला चढ़ते तो जाते कि चढ़ जाते पूरा ऊपर तक, पूरा जाते मतलब आसमान 2 किलोमीटर होगा, खाली उंगली डालो तो गॉड ऊपर से क्या कैसे ऐसा इतनी ऊपर ये उम्र में। तो हम लोग यंगस्टर दो माला चढ़ते तो अरे यार बस हो गया अभी, मतलब क्या है ये फिल्म बोलते इसको, मतलब भर जाता राष्ट्रीय प्रोडक्शन, फैमिली एंटरटेनर। अरे फैमिली टोटल, अभी दो तीन बार भी देखेगी बोर नहीं होंगे। नीना गुप्ता जी है, सारिका जी है, हाँ उनका भी काम बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। अच्छा है, बहुत बेहतरीन। कॉमेडी एसेंस, कॉमेडी भी है सर आपको इसमें, कॉमेडी भी है, रोमांटिक भी है, और सेट मोमेंट भी बहुत भारी है, मतलब देखेंगे तो रोना आ जाएगा ऐसा। बाकी अगर स्टार्स की अगर बात करें मूवी के लिए तो मैं तो 5 स्टार दूंगा इसको, 5 स्टार देंगे। काम भी सर, मतलब चारों सर लोगों का जो काम है उनके कामों को भी 5 स्टार्स और फिल्म को भी 5 स्टार। पिक्चर लंबी है, 3 घंटे की पिक्चर। हाँ लंबी तो है, 50 मिनट की लंबी है ऐसा, लेकिन कहीं पे भी बोर मूवमेंट नहीं, क्योंकि आप एक यंग जनरेशन हो। अरे मुझे ऑडियंस अच्छी लगी, यंग जनरेशन। एक सीन ऐसा है जहाँ पे नीना गुप्ता बेटी है जो जी, उनका बर्थडे सिक्वेंस है वहाँ पे, वो जब लोग पहुँचते हैं ना तो लोग यंगस्टर्स बर्थडे कर रहे हैं, अभी ये ओल्ड आ गए, वो मोमेंट में थोड़ा जरा एक सीखने को मिलता है कि यार मॉम डैड के बगैर कोई चीज पॉसिबल नहीं है, सब इम्पॉसिबल है। okay. वहाँ से हमको भी सीखने मिला कि नहीं मॉम डैड है, तुम्हारी फ्रेंड्स है कोई भी हो लेकिन मॉम डैड साथ में होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। बमन ईरानी जी का, बमन ईरानी, अरे सर की बात ही अलग है एकदम, उनका काम तो एकदम, उतना बोलने का जो तरीका है जो सब कुछ है बहुत बेहतर है। ओके, गाने पिक्चर? गाने सर देखो इतने तो कोई सब न्यू ही है कोई ऐसा, मतलब मेरे को तो सूरज बरजात्या की फिल्म आती है तो गानों की जिक्र तो होता ही है। गाने तो हाँ, गाने हैं अच्छे है, लेकिन अभी मैंने अभी पूरा फोकस पूरा मूवी पे था तो गाना इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, गाने भी ओके ठीक ओके है, ओके गाने ओके तो। पिक्चर अच्छी लगी? पिक्चर तो बहुत, मैं बताया ना आपको सीधा निकलते सुपर हिट बोल दिया मैंने। ओके, परिणीति के बारे में पूछा? परिणीति का है अच्छा, ठीक है लगी इसमें थोड़ा बहुत, परी परी लगी है बस, इसमें परी परी लगी है, नहीं तो बाकी सब इतना ओवर एक्टिंग की दुकानें हो तो जी। प्रियंका वैसी बात नहीं है ना, अभी प्रियंका चोपड़ा को तो निक जोनस भगा के ले गया, अभी क्या कर सकते, इनका भी काम अच्छा है, मूवी बहुत अच्छी है। क्या दिया परिणीति को? सब जैसा
है कुछ आधा पौना घंटा उनको दिया है, बीच बीच में मतलब अच्छा। सिर्फ एवरेस्ट पे सबको लेके जाती है okay. कुछ ऐसा मतलब खास नहीं, ऐसा कैमियो ही बोला जाए ओके okay, इमोशनल किया है हाँ किया है फिल्म ने। चलिए फाइनल वर्डिक्ट जो यंग जनरेशन के ऑडियंस है उनको क्या बोलोगे आप? ये जाके देखो, सीखने मिलेगा, मॉम डैड की क्या रिस्पेक्ट होती है, बड़ों की क्या रिस्पेक्ट होती है। राशि प्रोडक्शंस की फिल्म में यही होता है, सिखाया जाता है, बाकी की फिल्मों की तरह नहीं क्या है और फोन बुक को कॉल लगा दिया और पब्लिक को एड़ा बना दिया। चले ओके ए, ऊंचाई देख के आए हो आप, कैसे लगे आपको ऊंचाई? फिल्म तो अच्छी थी, अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। ओके सूरज बरजाते का डायरेक्शन है, हर बार फैमिली एंटरटेनमेंट लेके आते हैं, ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट ही है, ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट ही है और सीनियर सिटीजन के ऊपर ही है ज़्यादा करके। यंग जनरेशन तो मेरे ख्याल से तो नहीं आ सकती है, यंग जनरेशन मेरे ख्याल से तो नहीं देख पाएगी इसको, नहीं देख पाएंगे। ओके ओके तो जो जनरेशन ओल्डर है उनको ज़्यादा भाएगी पिक्चर? हाँ उनको भाएगी ज़्यादा। अच्छा क्या ऐसा करना चाहिए था सूरज बरजा देने की यंग जनरेशन भी आ सकती थी, क्योंकि एक परिणीति को लेके मेरे को नहीं लगता हाँ, उसमें थोड़ा और आएगी। उसमें और कुछ ड्रामा अगर ऐड करते थे यंग जनरेशन को लेके तो मेरे ख्याल से तो हो सकता था वो। अच्छा और ये देखने गई तो फैमिली फिल्म है ओके, और कुछ फैमिली फिल्म है, फैमिली जाने के लिए। ओके बच्चन साहब है, अनुपम खेर, बमन ईरानी, सब मतलब काम कैसा है सबका? हर किसी का रोल अच्छा है उसमें, बच्चन साहब को मतलब थोड़ा उसमें क्या बोलते हैं एज अ फ्रेंड को केयर करते समय दिखाया है उसमें। अच्छा बच्चन okay. सब का रोल अच्छा है उसमें। केमिस्ट्री okay. तीनों दोस्तों की तीनों जो जाते हैं एवरेस्ट तक जमी है, केमिस्ट्री अच्छी हुई है हाँ उसमें मतलब तीनों की अच्छी है। अच्छा ओके okay. अभी फीमेल जो कैरेक्टर्स है सारिका है और नीना गुप्ता है, उनके बारे में कुछ बताइए कैसे लगे आपको? उनका भी अच्छा है। स्क्रीन टाइम दिया है उनको बराबर? दिया दिया ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। ओके कितने मिलेंगे आपकी तरफ से? पांच में से ऊंचाई में से तीन दे सकते हैं, तीन देंगे। गुड फिल्म, देखनी चाहिए, वर्थ वॉचिंग एज अ फैमिली, एज अ फैमिली। थैंक यू। 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए, मॉम डैड के बगैर कोई चीज पॉसिबल नहीं। आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए यहाँ पे? तीन चार दोस्त है साथ में। कैसी है पिक्चर? मस्त है, अच्छा है। ओके मैम कैसी है फिल्म? हाउ इज द फिल्म? ऊंचाई अच्छी है। ओके कैसी है फिल्म? ऊंचाई ठीक है। पिक्चर कैसी है? अच्छी है, अच्छी है। अमन ईरानी जी है, अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन का काम अच्छा है, काम अच्छा है। कहानी कैसी है सर? अच्छी है। कैसी है सर कहानी? नो कमेंट नहीं। पिक्चर तो अच्छी है जी, पर क्या है जिंदगी ये जी जी जी। कहानी कैसे लगी आपको? अच्छी है, अच्छी है। सूरज बरजाते ने बनाई है पिक्चर? नहीं अच्छी है। आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए यहाँ पे? तीन चार दोस्त है साथ में। अच्छा तो आपको याद आई आपके दोस्तों की पिक्चर देख के? सब ऊपर गए। अच्छा कैसी लगी ऊंचाई? ऊंचाई अच्छी, बहुत अच्छी, अच्छी बनाई, सुपर हिट है, सुपर हिट बनाई। अरे बहुत अच्छा काम है सर। हाँ बच्चन सर, बच्चन साहब, पवन ईरानी, अनुपम खेर, डैनी डैनी सर, असम है सर जी। डैनी सर का तो छोटा काम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट लेकिन ओके है सर का काम तो। लेकिन अमिताभ सर ने तो ना स्क्रीन फाड़ दी सर। अच्छा सच बोल रहा हूँ, 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए, चढ़ गए हम लोग। दो माला चढ़ते हैं तो तक जाते कि चढ़ जाते हैं पूरा ऊपर तक, पूरा जाते मतलब आसमान 2 किलोमीटर होगा, खाली उंगली डालो तो गॉड ऊपर से क्या कैसे ऐसा इतनी ऊपर ये उम्र में तो हम लोग यंगस्टर दो माला चढ़ते तो अरे यार बस हो गया अभी। मतलब क्या है ये फिल्म बोलते इसको, मतलब बर जाता
राजश्री प्रोडक्शन फैमिली एंटरटेनर। अरे फैमिली टोटल अभी दो तीन बार भी देखी है, बोर नहीं होंगे। नीना गुप्ता जी है, सारिका जी है, हाँ उनका भी काम बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। अच्छा है, बहुत बेहतरीन। कॉमेडी एसेंस, कॉमेडी भी है सर आपको इसमें, कॉमेडी भी है, रोमांटिक भी है, और सेट मोमेंट भी बहुत भारी है, मतलब देखेंगे तो रोना आ जाएगा ऐसा। बाकी अगर स्टार्स की अगर बात करें मूवी के लिए, तो मैं तो फाइव स्टार दूंगा इसको, फाइव स्टार देंगे। काम भी सर, मतलब चारों सर लोगों का जो काम है, उनके कामों को भी फाइव स्टार्स और फिल्म को भी फाइव स्टार। पिक्चर लंबी है, 3 घंटे की पिक्चर। हाँ लंबी तो है, 50 मिनट की लंबी है ऐसा, लेकिन कहीं पर भी बोर मोमेंट नहीं, क्योंकि आप एक यंग जनरेशन हो। अरे मुझे ऑडियंस अच्छी लगी, यंग जनरेशन। एक सीन ऐसा है जहाँ पे नीना गुप्ता बेटी है जो जी, उनका बर्थडे सीक्वेंस है वहाँ पे, वो जब लोग पहुँचते हैं ना, तो लोग यंगस्टर्स बर्थडे कर रहे हैं, अभी ये ओल्ड आ गए, वो मोमेंट में थोड़ा जरा एक सीखने को मिलता है कि यार मॉम डैड के बगैर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, सब इम्पॉसिबल है। okay. वहाँ से हमको भी सीखने मिला कि नहीं, मॉम डैड है तुम्हारी फ्रेंड से कोई भी हो, लेकिन मॉम डैड साथ में होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। बोमन ईरानी जी का, बोमन ईरानी, अरे सर की बात ही अलग है एकदम, उनका काम तो एकदम, उतना बोलने का जो तरीका है वो सब मुझे बहुत बेहतर है। ओके okay, गाने पिक्चर गाने सर देखो इतने तो कोई सब न्यू ही है, तो ऐसा मतलब मेरे को तो गाने बरजा दिया कि फिल्म आती है तो गानों की जिक्र तो होता ही है। गाने तो हाँ गाने हैं अच्छे है, लेकिन अभी मैंने अभी पूरा फोकस पूरा मूवी पे था, तो गाना इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। गाने भी ओके ठीक ओके ओके गाने ओके तो। पिक्चर अच्छी लगी, पिक्चर तो बहुत, में बताया ना आपको सीधा निकलते सुपर हिट बोल दिया मैंने। okay, परिणीति के बारे में पूछा, परिणीति का है अच्छा ठीक है, लगी है इसमें थोड़ा बहुत परी परी लगी है बस, परी लगी है, नहीं तो बाकी सब इतना ओवर एक्टिंग की दुकान हो तो, जी प्रियंका वैसी बात नहीं है ना, अभी प्रियंका चोपड़ा को तो निक जोनस भगा के ले गया, अभी क्या कर सकते, इनका भी काम अच्छा है, मूवी बहुत अच्छी है। क्या दिया परिणीति सब जैसा है, कुछ आधा पौना घंटा उनको दिया, बीच बीच में मतलब अच्छा। सिर्फ एवरेज पे सबको लेके जाती है okay. कुछ ऐसा मतलब खास नहीं, ऐसा कैमियो ही बोला जाए। ओके इमोशनल किया है, हाँ किया फिल्म ने। चलिए फाइनल वर्डिक्ट, जो यंग जनरेशन के ऑडियंस है उनको क्या बोलोगे आप? ये जाके देखो, सीखने मिलेगा, मॉम डैड की क्या रिस्पेक्ट होती है, बड़ों की क्या रिस्पेक्ट होती है, राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म में यही होता है, सिखाया जाता है, बाकी की फिल्मों की तरह नहीं कि आए और फोन बुक को कॉल लगा दिए और पब्लिक को एड़ा बना दिए। चले ओके, ऊंचाई देख के आए हो आप, कैसे लगे आपको ऊंचाई? फिल्म तो अच्छी थी, अच्छी है, अच्छी है पिक्चर। ओके सूरज बरजाते का डायरेक्शन है, हर बार फैमिली एंटरटेनमेंट लेके आते हैं, तो ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट ही है, ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट ही है, और सीनियर सिटीजन के ऊपर ही है ज़्यादा करके, यंग जनरेशन तो मेरे ख्याल से तो नहीं आ सकती है। यंग जनरेशन मेरे ख्याल से तो नहीं देख पाएगी इसको, नहीं देख पाएंगे। ओके ओके, तो जो जनरेशन ओल्डर है उनको ज़्यादा भाएगी पिक्चर? हाँ उनको भाएगी ज़्यादा। अच्छा, क्या ऐसा करना चाहिए था सूरज बरजा देने की यंग जनरेशन भी आ सकती थी, क्योंकि एक परिणीति को लेके मेरे को नहीं लगता। हाँ, उसमें थोड़ा और आएगी। उसमें और कुछ ड्रामा अगर ऐड करते थे यंग जनरेशन को लेके, तो मेरे ख्याल से तो हो सकता था वो। अच्छा, पर ये देखने के तो फैमिली फिल्म है। ओके, और कुछ फैमिली फिल्म है, फैमिली जाने चाहिए देखने के लिए। ओके, बच्चन साहब है, अनुपम खेर, बोमन ईरानी, काम कैसा है सबका? हर किसी का रोल अच्छा है उसमें। बच्चन साहब को मतलब थोड़ा उसमें क्या बोलते हैं, एज अ फ्रेंड को केयर करते समय दिखाया उसमें। अच्छा, बच्चन सबका रोल अच्छा है उसमें। केमिस्ट्री तीनों दोस्तों की, तीनों जाते हैं एवरेस्ट तक, जमी है केमिस्ट्री, अच्छी हुई है। हाँ उसमें मतलब तीनों की अच्छी है। अच्छा ओके, अभी फीमेल जो कैरेक्टर्स है, सारिका है और नीना गुप्ता है, उनके बारे में कुछ बताइए, कैसे लगे आपको? उनका भी अच्छा है। ओके, स्क्रीन टाइम दिया है उनको बराबर? दिया दिया, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। ओके, कितने मिलेंगे आपकी तरफ से? 5 में से ऊंचाई में से 3 दे सकते हैं। 3 देंगे, गुड फिल्म, देखनी चाहिए, वर्थ वॉचिंग एज अ फैमिली, एज अ फैमिली। थैंक यू। 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए, मॉम डैड के बगैर कोई चीज पॉसिबल नहीं। आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए यहाँ पे, 3-4 दोस्त है साथ में। कैसी है पिक्चर? अच्छा है, अच्छी है। ओके, हम कैसी है फिल्म? अभी तो फिल्म ऊंचाई
कैसी है फिल्म? ऊंचाई ठीक है, पिक्चर कैसी है? अच्छी है। अमन ईरानी जी है, अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन का काम अच्छा है। काम अच्छा है। कहानी कैसी है सर? अच्छी है। कैसी है सर कहानी? नो कमेंट। नो कमेंट नहीं। पिक्चर तो अच्छी है जी, पर क्या है जिंदगी ये जी। कहानी कैसे लगी आपको? अच्छी है। अच्छी है। सूरज बरजात्या ने बनाई है पिक्चर? नहीं, अच्छी है। आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए? यहाँ पे 3-4 दोस्त है साथ में। दिल भर गया। अच्छा, वही दोस्तों की याद होती। तो आपको याद आई आपके दोस्तों की पिक्चर देख के? सब ऊपर गए। अच्छा, कैसी लगी ऊंचाई? ऊंचाई अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छी बनाई? सुपर हिट बनाई। अरे बहुत अच्छा काम है सर। हाँ, बच्चन सर, बच्चन साहब, भवन ईरानी, अनुपम खेर, डैनी डैनी सर, औसम है सर जी। डैनी सर का तो छोटा काम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट लेकिन ओके है सर का काम तो। लेकिन अमिताभ सर ने तो ना स्क्रीन फाड़ दी सर। अच्छा, सच बोल रहा हूँ, 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए। चढ़ गए सर, हम लोग दो माला चढ़ते हैं तो जाते हैं कि चढ़ जाते हैं पूरा ऊपर तक, पूरा जाते हैं, मतलब आसमान 2 किलोमीटर होगा खाली, उंगली डालो तो गॉड ऊपर से क्या कैसे ऐसा इतनी ऊपर ये उम्र में। तो हम लोग यंगस्टर दो माला चढ़ते तो अरे यार बस हो गया अभी, मतलब क्या है ये फिल्म बोलते इसको, मतलब बढ़ जाता राष्ट्रीय प्रोडक्शन, फैमिली एंटरटेनर। अरे फैमिली टोटल, अभी 2-3 बार भी देखेगी बोर नहीं होंगे। नीना गुप्ता जी है, सारिका जी है, हाँ उनका भी काम बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। अच्छा है, बहुत बेहतरीन कॉमेडी एसेंस, कॉमेडी भी है सर आपको इसमें, कॉमेडी भी है, रोमांटिक भी है, और सेट मोमेंट भी बहुत भारी है, मतलब देखेंगे तो रोना आ जाएगा ऐसा। बाकी अगर स्टार्स की अगर बात करें मूवी के लिए तो मैं तो 5 स्टार दूंगा इसको, 5 स्टार देंगे। काम भी सर, मतलब चारों सर लोग का जो काम है उनके कामों को भी 5 स्टार और फिल्म को भी 5 स्टार। पिक्चर लंबी है, 3 घंटे की पिक्चर। हाँ लंबी तो है, 50 मिनट की लंबी है ऐसा, लेकिन कहीं पे भी बोर मोमेंट नहीं, क्योंकि आप एक यंग जनरेशन हो। अरे मुझे ऑडियंस अच्छी लगी, यंग जनरेशन। एक सीन ऐसा है जहाँ पे नीना गुप्ता बेटी है जो जी, उनका बर्थडे सिक्वेंस है वहाँ पे, वो जब लोग पहुँचते हैं ना तो लोग यंगस्टर्स बर्थडे कर रहे हैं, अभी ये ओल्ड आ गए, वो मोमेंट में थोड़ा जरा एक सीखने को मिलता है कि यार मॉम डैड के बगैर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, सब इम्पॉसिबल है। okay. वहाँ से हमको भी सीखने मिला कि नहीं मॉम डैड है तुम्हारी फ्रेंड से कोई भी हो, लेकिन मॉम डैड साथ में होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। बमन ईरानी जी का, बमन ईरानी, अरे सर की बात ही अलग है एकदम, उनका काम तो एकदम, उतना बोलने का जो तरीका है जो सब कुछ है बहुत बेहतर है। ओके, गाने पिक्चर गाने सर देखो इतने तो कोई सब न्यू ही है, कोई ऐसा मतलब मेरे को तो गाने बरजा दिया कि फिल्म आती है तो गानों की जिक्र तो होता ही है। गाने तो हाँ गाने हैं अच्छे है, लेकिन अभी मैंने अभी पूरा फोकस पूरा मूवी पे था तो गाना इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। गाने भी ओके ठीक ओके है। ओके गाने ओके, पिक्चर अच्छी लगी। पिक्चर तो बहुत, मैं बताया ना आपको सीधा निकलते सुपर हिट बोल दिया मैंने। ओके, परिणीति के बारे में पूछा, परिणीति का है अच्छा ठीक है, लगी इसमें थोड़ा बहुत परी लगी है बस, इसमें परी लगी है, नहीं तो बाकी सब इसमें ओवर एक्टिंग की दुकान है तो जी प्रियंका वैसी बात नहीं है ना, अभी प्रियंका चोपड़ा को तो निक जोनस भगा के ले गया, अभी क्या कर सकते, इनका भी काम अच्छा है, मूवी बहुत अच्छी है। क्या दिया परिणीति को? सब जैसा है कुछ, आधा पौना घंटा उनको दिया है, बीच बीच में मतलब। अच्छा। सिर्फ एवरेज पे सबको लेके जाती है। ओके। कुछ ऐसा मतलब खास नहीं, ऐसा कैमियो ही बोला जाए। ओके, इमोशनल किया है? हाँ किया फिल्म ने। चलिए फाइनल वर्डिक्ट, जो यंग जनरेशन के ऑडियंस है उनको क्या बोलोगे आप? ये जाके देखो, सीखने मिलेगा, मॉम डैड की क्या रिस्पेक्ट होती है, बड़ों की क्या रिस्पेक्ट होती है, फिर राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म में यही होता है, सिखाया जाता है, बाकी की फिल्मों की तरह नहीं, क्या है और फोन बुथ को कॉल लगा दिया और पब्लिक को एड़ा बना दिया। चले ओके, ऊंचाई देख के आए हो आप, कैसे लगे आपको ऊंचाई? फिल्म तो अच्छी थी, अच्छी है, अच्छी है। ओके, सूरज बरजात्या का डायरेक्शन है, हर बार फैमिली एंटरटेनमेंट लेके आते हैं, तो ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट नहीं है, ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट नहीं है,
और सीनियर सिटीजन के ऊपर ही है सर ज़्यादा करके, यंग जनरेशन तो मेरे ख्याल से तो नहीं आ सकती है। यंग जनरेशन मेरे ख्याल से तो नहीं देख पाएगी इसको, नहीं देख पाएंगे। ओके तो जो जनरेशन ओल्डर है उनको ज़्यादा भाएगी पिक्चर? हाँ उनको भाएगी ज़्यादा। अच्छा क्या ऐसा करना चाहिए था सूरज बरजा देने की यंग जनरेशन भी आ सकती थी, क्योंकि एक परिणीति को लेके मेरे को नहीं लगता। हाँ, उसमें थोड़ा और आएगी। उसमें और कुछ ड्रामा अगर ऐड करते थे यंग जनरेशन को लेके तो मेरे ख्याल से तो हो सकता था वो। अच्छा, और ये देखने गई तो फैमिली फिल्म है। ओके, और कुछ फैमिली फिल्म है, फैमिली जाने चाहिए देखने के लिए। ओके, बच्चन साहब है, अनुपम खेर, बमन ईरानी, काम कैसा है सबका? हर किसी का रोल अच्छा है उसमें। बच्चन साहब को मतलब थोड़ा उसमें क्या बोलते हैं एज अ फ्रेंड को केयर करते समय दिखाया उसमें। अच्छा, बच्चन साहब का रोल अच्छा है उसमें। केमिस्ट्री तीनों दोस्तों की तीनों जाते हैं एवरेस्ट तक जमी है, केमिस्ट्री अच्छी हुई है। हाँ उसमें मतलब तीनों की अच्छी है। अच्छा ओके, अभी फीमेल जो कैरेक्टर्स है सारिका है और नीना गुप्ता है, उनके बारे में कुछ बताइए कैसे लगे आपको? उनका भी अच्छा है। ओके, स्क्रीन टाइम दिया है उनको बराबर? दिया ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। ओके, कितने मिलेंगे आपकी तरफ से? 5 में से ऊंचाई में से 3 दे सकते हैं। 3 देंगे, गुड फिल्म, देखनी चाहिए, वर्थ वॉचिंग एज अ फैमिली। 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए, मॉम डैड के बगैर कोई चीज पॉसिबल नहीं। आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए यहाँ पे? 3-4 दोस्त है साथ में। कैसी है पिक्चर? अच्छा है। ओके, हम कैसी है फिल्म? अभी तो फिल्म ऊंचाई कैसी है फिल्म ऊंचाई ठीक है, पिक्चर कैसी है? अच्छी है। अमन ईरानी जी है, अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन का काम अच्छा है, काम अच्छा है। कहानी कैसी है सर? अच्छी है। कैसी है सर कहानी? नो कमेंट नहीं। पिक्चर तो अच्छी है जी, क्या है जिंदगी ये जी। कहानी कैसे लगी आपको? अच्छी है। सूरज बरजात्या ने बनाई है पिक्चर? नहीं, अच्छी है। आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए यहाँ पे? 3-4 दोस्त है साथ में। दिल भर गया, देख के दिल भर गया। अच्छा, वही तो होती। हाँ, तो आपको याद आई आपके दोस्तों की पिक्चर देख के? हाँ, सब ऊपर गए। अच्छा, कैसी लगी ऊंचाई? ऊंचाई अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छी बनाई, सुपर हिट बनाई। अरे बहुत अच्छा काम है सर। हाँ, बच्चन सर, बच्चन साहब, भवन ईरानी, अनुपम खेर, डैनी सर, औसम है सर जी। डैनी सर का तो छोटा काम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट लेकिन ओके है सर का काम तो। लेकिन अमिताभ सर ने तो ना स्क्रीन फाड़ दी। अच्छा, सच बोल रहा हूँ, 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए। चढ़ गए हम लोग, दो माला चढ़ते तो जाते कि चढ़ जाते पूरा ऊपर तक, पूरा जाते मतलब आसमान 2 किलोमीटर होगा, खाली उंगली डालो तो गॉड ऊपर से क्या कैसे ऐसा इतनी ऊपर ये उम्र में तो हम लोग यंगस्टर 2 माला चढ़ते तो अरे यार बस हो गया अभी। मतलब क्या है ये फिल्म बोलते इसको, मतलब बरजाता राष्ट्रीय प्रोडक्शन, फैमिली एंटरटेनर। अरे फैमिली टोटल, अभी 2-3 बार भी देखेगी बोर नहीं होंगे। नीना गुप्ता जी है, सारिका जी है, हाँ उनका भी काम बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। अच्छा है, बहुत बेहतरीन कॉमेडी एसेंस, कॉमेडी भी है सर आपको इसमें, कॉमेडी भी है, रोमांटिक भी है, और सैड मोमेंट भी बहुत भारी है, मतलब देखेंगे तो रोना आ जाएगा ऐसा। बाकी अगर स्टार्स की अगर बात करें मूवी के लिए तो मैं तो 5 स्टार दूंगा इसको, 5 स्टार देंगे। काम भी सर, मतलब चारों सर लोगों का जो काम है उनके कामों को भी 5 स्टार और फिल्म को भी 5 स्टार। पिक्चर लंबी है, 3 घंटे की पिक्चर। हाँ लंबी तो है, 50 मिनट की लंबी है ऐसा, लेकिन कहीं पे भी बोर मोमेंट नहीं, क्योंकि आप एक यंग जनरेशन हो। अरे मुझे ऑडियंस आपकी यंग जनरेशन। एक सीन ऐसा है जहाँ पे नीना गुप्ता बेटी है जो जी, उनका बर्थडे सीक्वेंस है, वहाँ पे वो जब लोग पहुँचते हैं ना
तो लोग यंगस्टर्स बर्थडे कर रहे हैं अभी, ये ओल्ड आ गए, वो मोमेंट में थोड़ा जरा एक सीखने को मिलता है कि यार मॉम डैड के बगैर कोई चीज पॉसिबल नहीं, सब इम्पॉसिबल है. वहाँ से हमको भी सीखने मिला कि नहीं मॉम डैड है तुम्हारी फ्रेंड से कोई भी हो लेकिन मॉम डैड साथ में होना चाहिए. करेक्ट करेक्ट. बमन ईरानी जी का, बमन ईरानी, अरे सर की बात ही अलग है एकदम. उनका काम तो एकदम उतना बोलने का जो तरीका है जो सब कुछ है बहुत बेहतर है. ओके. गाने पिक्चर, गाने सर देखो इतने तो कोई सब न्यू ही है तो ऐसा मतलब मेरे को तो गाने भर जा दिया कि फिल्म आती है तो गानों की जिक्र तो होता ही है. गाने तो हाँ गाने हैं अच्छे है, लेकिन अभी मैंने अभी पूरा फोकस पूरा मूवी पे था तो गाना इतना मैंने ध्यान नहीं दिया. गाने भी ओके ठीक ओके है, ओके गाने ओके. पिक्चर अच्छी लगी? पिक्चर तो बहुत, मैं बताया ना आपको सीधा निकलते सुपरहिट बोल दिया मैंने. के परिणीति के बारे में पूछा? परिणीति का है अच्छा ठीक है, लगी इसमें थोड़ा बहुत परी परी लगी है बस. अच्छा परी परी, परी परी लगी है, नहीं तो बाकी सब इसमें ओवर एक्टिंग की दुकान हो. तो जी प्रियंका वैसी बात नहीं है ना, अभी प्रियंका चोपड़ा को तो निक जोनस भगा के ले गया, अभी क्या कर सकते. इनका भी काम अच्छा है, मूवी बहुत अच्छी है. क्या दिया परिणीति? सब जैसा है कुछ आधा पौना घंटा उनको दिया, बीच बीच में मतलब. अच्छा. सिर्फ एवरेज पे सबको लेके जाती है. ओके. कुछ ऐसा मतलब खास नहीं, ऐसा कैमियो ही बोला जाए. ओके. इमोशनल किया है? हाँ किया फिल्म ने. चलिए फाइनल वर्डिक्ट जो यंग जनरेशन के ऑडियंस है उनको क्या बोलोगे आप? ये जाके देखो सीखने मिलेगा मॉम डैड की क्या रिस्पेक्ट होती है, बड़ों की क्या रिस्पेक्ट होती है. राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म में यही होता है, सिखाया जाता है. बाकी की फिल्मों की तरह नहीं, क्या है और फोन बुक को कॉल लगा दिए और पब्लिक को एड़ा बना दिए. चले ओके. ऊंचाई देख के आए हो आप, कैसे लगे आपको ऊंचाई? फिल्म तो अच्छी थी, तो अच्छी है, अच्छी है पिक्चर. ओके. सूरज बरजाते का डायरेक्शन है, हर बार फैमिली एंटरटेनमेंट लेके आते हैं. तो ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट नहीं है, ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट नहीं है और सीनियर सिटीजन के ऊपर ही है ज़्यादा करके. यंग जनरेशन तो मेरे ख्याल से तो नहीं आ सकती है. यंग जनरेशन, यंग जनरेशन मेरे ख्याल से तो नहीं देख पाएगी इसको. नहीं देख पाएंगे? नहीं देख. ओके ओके. तो जो जनरेशन ओल्डर है उनको ज़्यादा भाएगी पिक्चर? हाँ उनको भाएगी ज़्यादा. अच्छा. क्या ऐसा करना चाहिए था सूरज बरजा देने की यंग जनरेशन भी आ सकती थी, क्योंकि एक परिणीति को लेके मेरे को नहीं लगता. हाँ, उसमें थोड़ा और उसमें और कुछ ड्रामा अगर ऐड करते थे यंग जनरेशन को लेके तो मेरे ख्याल से तो हो सकता था वो. अच्छा. और ये देखने के तो फैमिली फिल्म है. ओके. और कुछ फैमिली फिल्म है, फैमिली जाने फैमिली चाहिए देखने के लिए. ओके. बच्चन साहब है, अनुपम खेर, बमन ईरानी, सब मतलब काम कैसा है सबका? हर किसी का रोल अच्छा है उसमें. बच्चन साहब को मतलब थोड़ा उसमें क्या बोलते हैं एज अ फ्रेंड को केयर करते समय दिखाया उसमें. अच्छा. बच्चन साहब का रोल अच्छा है उसमें. केमिस्ट्री तीनों दोस्तों की, तीनों जाते हैं एवरेस्ट तक, जमी है केमिस्ट्री, अच्छी हुई है? हाँ उसमें मतलब तीनों की अच्छी है. अच्छा. ओके. अभी फीमेल जो कैरेक्टर्स है, सारिका है और नीना गुप्ता है, उनके बारे में कुछ बताइए, कैसे लगे आपको? उनका भी अच्छा है. ओके. स्क्रीन टाइम दिया है उनको बराबर? दिया दिया. ठीक ठाक है? ठीक ठाक है. ओके. कितने मिलेंगे आपकी तरफ से? पाँच में से ऊंचाई में से तीन दे सकते हैं. तीन देंगे. गुड फिल्म, देखनी चाहिए, वर्थ वॉचिंग एज अ फैमिली. थैंक यू. 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए, मॉम डैड के बगैर कोई चीज पॉसिबल नहीं. आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए यहाँ पे? तीन चार दोस्त है साथ में. कैसी है पिक्चर? ऊंचाई है, अच्छा है. ओके. हम कैसी है फिल्म? हाउ इज द फिल्म? ऊंचाई अच्छी लगी. ओके. कैसी है फिल्म? ऊंचाई ठीक है. पिक्चर कैसी है? अच्छी है. अच्छी है. हाँ. अमन ईरानी जी है, अमिताभ बच्चन है. अमिताभ बच्चन का काम अच्छा है. काम अच्छा है. कहानी कैसी है सर? अच्छी है. कैसी है सर कहानी? नो कमेंट. नो कमेंट नहीं. पिक्चर तो अच्छी है जी, पर क्या है जिंदगी ये जी जी जी. कहानी कैसे लगी आपको? अच्छी है. अच्छी है. सूरज बरजात्या ने बनाई है पिक्चर? नहीं नहीं अच्छी है. आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए यहाँ पे? तीन चार दोस्त है साथ में. ये
गया, देख के दिल भर गया। अच्छा वही तो था कि याद होती। हाँ तो आपको याद आई आपके दोस्तों की पिक्चर देख के? सब ऊपर गया। अच्छा कैसी लगी ऊंचाई? ऊंचाई अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छी बनाई, सुपर हिट, सुपर हिट बनाई। अरे बहुत अच्छा काम है सर। हाँ बच्चन सर, बच्चन साहब, भवन ईरानी, अनुपम खेर, डैनी डैनी सर, औसम है सर जी। डैनी सर का तो छोटा काम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट लेकिन ओके है सर का काम तो। लेकिन अमिताभ सर ने तो ना स्क्रीन फाड़ दी। अच्छा सच बोलो, 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए, चढ़ गए। हम लोग दो माले चढ़ते तक जाते कि चढ़ जाते पूरा ऊपर तक, पूरा जाते मतलब आसमान 2 किलोमीटर होगा, खाली उंगली डालो तो गॉड ऊपर से क्या होगा, कैसे ऐसा इतनी ऊपर ये उम्र में। तो हम लोग यंगस्टर दो माला चढ़ते तो अरे यार बस हो गया अभी, मतलब क्या है ये फिल्म बोलते इसको, मतलब भर जाता राष्ट्रीय प्रोडक्शन, फैमिली एंटरटेनर। अरे फैमिली टोटल अभी 2-3 बार भी देखेगी बोर नहीं होंगे। नीना गुप्ता जी है, सारिका जी है, हाँ उनका भी काम बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। अच्छा है, बहुत बेहतरीन कॉमेडी एसेंस, कॉमेडी भी है सर आपको इसमें, कॉमेडी भी है, रोमांटिक भी है, और सेट मोमेंट भी बहुत भारी है, मतलब देखेंगे तो रोना आ जाएगा ऐसा। बाकी अगर स्टार्स की अगर बात करें मूवी के लिए तो मैं तो 5 स्टार दूंगा इसको, 5 स्टार देंगे। काम भी सर, मतलब चारों सर लोगों का जो काम है उनके कामों को भी 5 स्टार और फिल्म को भी 5 स्टार। पिक्चर लंबी है, 3 घंटे की पिक्चर। हाँ लंबी तो है, 50 मिनट की लंबी है ऐसा, लेकिन कहीं पे भी बोर मोमेंट नहीं, क्योंकि आप एक यंग जनरेशन हो। अरे मुझे ऑडियंस लगी यंग जनरेशन। एक सीन ऐसा है जहाँ पे नीना गुप्ता बेटी है जो जी, उनका बर्थडे सीक्वेंस है वहाँ पे, वो जब लोग पहुँचते हैं ना तो लोग यंगस्टर्स बर्थडे कर रहे हैं, अभी ये ओल्ड आ गए, वो मोमेंट में थोड़ा जरा एक सीखने को मिलता है कि यार मॉम डैड के बगैर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं, सब इम्पॉसिबल है। okay. वहाँ से हमको भी सीखने मिला कि नहीं मॉम डैड है, तुम्हारी फ्रेंड्स है कोई भी हो लेकिन मॉम डैड साथ में होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, बमन ईरानी जी का, बमन ईरानी, अरे सर की बात ही अलग है एकदम, उनका काम तो एकदम, उसका बोलने का जो तरीका है वो सब कुछ है, बहुत बेहतर है। ओके गाने, पिक्चर गाने सर देखो इतने तो कोई सब न्यू ही है, कोई ऐसा मतलब मेरे को तो गाने भर जाते हैं कि फिल्म आती है तो गानों की जिक्र तो होता ही है। गाने तो हाँ गाने हैं अच्छे है, लेकिन अभी मैंने अभी पूरा फोकस पूरा मूवी पे था तो गाना इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। गाने भी ओके ठीक ओके है, ओके गाने ओके, पिक्चर अच्छी लगी। पिक्चर तो बहुत, में बताया ना आपको सीधा निकलते सुपर हिट बोल दिया मैंने। परिणीति के बारे में पूछा, परिणीति का है अच्छा ठीक है, लगी इसमें थोड़ा बहुत परी परी लगी है बस, इसमें परी परी लगी है, नहीं तो बाकी सब इसमें ओवर एक्टिंग की दुकानें हो तो जी प्रियंका वैसी बात नहीं है ना, अभी प्रियंका चोपड़ा को तो निक जोनस भगा के ले गया, अभी क्या कर सकते, इनका भी काम अच्छा है, मूवी बहुत अच्छी है। क्या दिया परिणीति को? सब जैसा है कुछ आधा पौना घंटा उनको दिया, बीच बीच में मतलब अच्छा। सिर्फ एवरेज पे सबको लेके जाती है okay. कुछ ऐसा मतलब खास नहीं, ऐसा कैमियो ही बोला जाए। ओके इमोशनल किया है, हाँ किया फिल्म ने। चलिए फाइनल वर्डिक्ट जो यंग जनरेशन के ऑडियंस है उनको क्या बोलोगे आप? ये जाके देखो सीखने मिलेगा, मॉम डैड की क्या रिस्पेक्ट होती है, बड़ों की क्या रिस्पेक्ट होती है, तो राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म में यही होता है, सिखाया जाता है, बाकी की फिल्मों की तरह नहीं कि आया और फोन बुक को कॉल लगा दिया और पब्लिक को एड़ा बना दिया। चले ओके ऊंचाई देख के आए हो आप, कैसे लगे आपको ऊंचाई? फिल्म तो अच्छी थी, अच्छी है, अच्छी है पिक्चर। ओके सूरज बरजाते का डायरेक्शन है, हर बार फैमिली एंटरटेनमेंट लेके आते हैं, तो ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट ही है, ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट ही है, और सीनियर सिटीजन के ऊपर ही है ज़्यादा करके, यंग जनरेशन तो मेरे ख्याल से तो नहीं आ सकती है। यंग जनरेशन मेरे ख्याल से तो नहीं देख पाएगी इसको, नहीं देख पाएंगे नहीं। ओके ओके तो जो जनरेशन ओल्डर है उनको ज़्यादा भाएगी पिक्चर? हाँ उनको भाएगी ज़्यादा। अच्छा क्या ऐसा करना चाहिए था सूरज बरजा देने की यंग जनरेशन भी आ सकती थी, क्योंकि एक परिणीति को लेके मेरे को नहीं लगता उसमें थोड़ा और आएगी? उसमें और कुछ ड्रामा अगर ऐड करते थे यंग जनरेशन को लेके तो मेरे ख्याल से तो हो सकता था वो। अच्छा और ये देखने की तो फैमिली फिल्म है। ओके और कुछ फैमिली फिल्म है, फैमिली जाने फैमिली चाहिए देखने के लिए। ओके बच्चन साहब है, अनुपम खेर, बमन ईरानी, काम कैसा है सबका? हर किसी का रोल अच्छा है उसमें, बच्चन साहब को मतलब थोड़ा उसमें क्या बोलते हैं एज अ फ्रेंड केयर करते समय दिखाया उसमें। अच्छा
बच्चन सब का रोल अच्छा है केमिस्ट्री तीनों दोस्तों की तीनों जो जाते हैं एवरेस्ट तक जमी है केमिस्ट्री अच्छी हुई है हाँ उसमें मतलब तीनों की अच्छी है अच्छा ओके अभी फीमेल जो कैरेक्टर्स है सारिका है और नीना गुप्ता है उनके बारे में कुछ बताइए कैसे लगे आपको उनका भी अच्छा है ओके स्क्रीन टाइम दिया है उनको बराबर दिया दिया ठीक ठाक है ठीक ठाक है ओके कितने मिलेंगे आपकी तरफ से पाँच में से ऊंचाई में से तीन दे सकते हैं तीन देंगे गुड फिल्म देखनी चाहिए वर्थ वॉचिंग एज अ फैमिली एज अ फैमिली थैंक यू 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए मॉम डैड के बगैर कोई चीज पॉसिबल नहीं है आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए यहाँ पे तीन चार दोस्त है साथ में दिल बन गया कैसी है पिक्चर अच्छा है ओके हम कैसी है फिल्म हाउ इज द फिल्म ऊंचाई ओके कैसी है फिल्म ऊंचाई ठीक है पिक्चर कैसी है अच्छी है अमन ईरानी जी है अमिताभ बच्चन है अमिताभ बच्चन का काम अच्छा है काम अच्छा है कहानी कैसी है सर अच्छी है कैसी है सर कहानी नो कमेंट नहीं पिक्चर तो अच्छी है जी पर क्या है जिंदगी यही जी कहानी कैसे लगी आपको अच्छी है सूरज बरजात्या ने बनाई है पिक्चर नहीं अच्छी है आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए यहाँ पे तीन चार दोस्त है साथ में दिल भर गया देख के दिल भर गया अच्छा वही तो था तो आपको याद आई आपके दोस्तों की पिक्चर देख के सब ऊपर गए अच्छा कैसी लगी ऊंचाई अच्छी बहुत अच्छी अच्छी बनाई सुपर हिट बनाई अरे बहुत अच्छा काम है सर हाँ बच्चन साहब भवन ईरानी अनुपम खेर डैनी सर औसम है सर जी डैनी सर का तो छोटा काम है ज़्यादा बड़ा नहीं है बट लेकिन ओके है सर का काम तो लेकिन अमिताभ सर ने तो ना स्क्रीन फाड़ दी अच्छा सच बोलो 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए चढ़ गए हम लोग दो माला चढ़ते तो तक जाते कि चढ़ जाते पूरा ऊपर तक पूरा जाते मतलब आसमान 2 किलोमीटर होगा खाली उंगली डालो तो गॉड ऊपर से क्या कैसे ऐसा इतनी ऊपर ये उम्र में तो हम लोग यंगस्टर दो माला चढ़ते तो अरे यार बस हो गया अभी मतलब क्या है ये फिल्म बोलते इसको मतलब भर जाता राष्ट्रीय प्रोडक्शन फैमिली एंटरटेनर अरे फैमिली टोटल अभी दो तीन बार भी देखेगी बोर नहीं होंगे अब नीना गुप्ता जी है सारिका जी है हाँ उनका भी काम बहुत बेहतर है बहुत अच्छा है अच्छा है बहुत बेहतरीन कॉमेडी एसेंस कॉमेडी भी है सर आपको इसमें कॉमेडी भी है रोमांटिक भी है और सैड मोमेंट भी बहुत भारी है मतलब देखेंगे तो रोना आ जाएगा ऐसा बाकी अगर स्टार्स की अगर बात करें मूवी के लिए तो मैं तो 5 स्टार दूंगा इसको 5 स्टार देंगे काम भी सर मतलब चारों सर लोगों का जो काम है उनके कामों को भी 5 स्टार और फिल्म को भी 5 स्टार पिक्चर लंबी है 3 घंटे की पिक्चर हाँ लंबी तो है 50 मिनट की लंबी है ऐसा लेकिन कहीं पे भी बोर मोमेंट नहीं क्योंकि आप एक यंग जनरेशन हो अरे मुझे तो बहुत अच्छी लगी यंग जनरेशन एक सीन ऐसा है जहाँ पे नीना गुप्ता बेटी है जो जी उनका बर्थडे सिक्वेंस है वहाँ पे वो जब लोग पहुँचते हैं ना तो लोग यंगस्टर्स बर्थडे कर रहे हैं अभी ये ओल्ड आ गए वो मोमेंट में थोड़ा जरा एक सीखने को मिलता है कि यार मॉम डैड के बगैर कोई चीज पॉसिबल नहीं सब इम्पॉसिबल है वहाँ से हमको भी सीखने मिला कि नहीं मॉम डैड है तुम्हारी फ्रेंड्स है कोई भी हो लेकिन मॉम डैड साथ में होना चाहिए करेक्ट बमन ईरानी जी का बमन ईरानी अरे सर की बात ही अलग है एकदम उनका काम तो एकदम उतना बोलने का जो तरीका है वो सब मुझे बहुत बेहतर है ओके गाने पिक्चर गाने सर देखो इतने तो कोई सब न्यू ही है तो ऐसा मतलब मेरे को तो गाने भर जाते हैं कि फिल्म आती है तो गानों की जिक्र तो होता ही है गाने तो हाँ गाने हैं अच्छे हैं लेकिन अभी मैंने अभी पूरा फोकस पूरा मूवी पे था तो गाना इतना मैंने ध्यान नहीं दिया गाने भी ओके ठीक ओके है, ओके गाने ओके तो। पिक्चर अच्छी लगी पिक्चर तो बहुत में बताया ना आपको सीधा निकलते सुपरहिट बोल दिया मैंने परिणीति के बारे में पूछा परिणीति का है अच्छा ठीक है लगी है इसमें थोड़ा बहुत परी लगी है बस इसमें परी लगी है नहीं तो बाकी सब इसमें ओवर एक्टिंग की दुकानें हो
जी प्रियंका वैसी बात नहीं है ना, अभी प्रियंका चोपड़ा को तो निक जोनस भगा के ले गया, अभी क्या कर सकते, इनका भी काम अच्छा है, मूवी बहुत अच्छी है। क्या दिया परिणीति को? सब जैसा है कुछ, आधा पौना घंटा उनको दिया, बीच बीच में, बीच बीच में मतलब अच्छा। सिर्फ एवरेस्ट पे सबको लेके जाती है, कुछ ऐसा मतलब खास नहीं, ऐसा कैमियो ही बोला जाए। ओके, इमोशनल किया है। हाँ किया फिल्म ने। चलिए फाइनल वर्डिक्ट, जो यंग जनरेशन के ऑडियंस है उनको क्या बोलोगे आप? ये जाके देखो, सीखने मिलेगा, मॉम डैड की क्या रिस्पेक्ट होती है, बड़ों की क्या रिस्पेक्ट होती है। राशि प्रोडक्शंस की फिल्म में यही होता है, सिखाया जाता है, बाकी की फिल्मों की तरह नहीं, क्या है और फोन बुथ को कॉल लगा दिए और पब्लिक को एड़ा बना दिए। चले ओके, ऊंचाई देख के आए हो आप, कैसे लगे आपको ऊंचाई? फिल्म तो अच्छी थी, तो अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। ओके, सूरज बरजाते का डायरेक्शन है, हर बार फैमिली एंटरटेनमेंट लेके आते हैं, तो ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट ही है, ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट ही है, और सीनियर सिटीजन के ऊपर ही है ज़्यादा करके। यंग जनरेशन तो मेरे ख्याल से तो नहीं आ सकती है, यंग जनरेशन मेरे ख्याल से तो नहीं देख पाएगी इसको, नहीं देख पाएंगे। ओके ओके, तो जो जनरेशन ओल्डर है उनको ज़्यादा भाएगी पिक्चर? हाँ उनको भाएगी ज़्यादा। अच्छा, क्या ऐसा करना चाहिए था सूरज बरजा देने की यंग जनरेशन भी आ सकती थी, क्योंकि एक परिणीति को लेके मेरे को नहीं लगता। हाँ, उसमें थोड़ा और उसमें और कुछ ड्रामा अगर ऐड करते थे यंग जनरेशन को लेके तो मेरे ख्याल से तो हो सकता था वो। अच्छा, और ये देखने की तो फैमिली फिल्म है। ओके, और कुछ फैमिली फिल्म है, फैमिली जाने के लिए। ओके, बच्चन साहब है, अनुपम खेर, बमन ईरानी, काम कैसा है सबका? हर किसी का रोल अच्छा है उसमें। बच्चन साहब को मतलब थोड़ा उसमें क्या बोलते हैं, एज अ फ्रेंड को केयर करते समय दिखाया है उसमें। अच्छा, बच्चन साहब का रोल अच्छा है उसमें। केमिस्ट्री तीनों दोस्तों की, तीनों जो जाते हैं एवरेस्ट तक, जमी है केमिस्ट्री, अच्छी हुई है। हाँ उसमें मतलब तीनों की अच्छी है। अच्छा ओके, अभी फीमेल जो कैरेक्टर्स है, सारिका है और नीना गुप्ता है, उनके बारे में कुछ बताइए, कैसे लगे आपको? उनका भी अच्छा है। ओके, स्क्रीन टाइम दिया है उनको बराबर? दिया दिया, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। ओके, कितने मिलेंगे आपकी तरफ से? पाँच में से ऊंचाई में से तीन दे सकते, तीन देंगे। गुड फिल्म, देखनी चाहिए, वर्थ वॉचिंग एज अ फैमिली, एज अ फैमिली। थैंक यू। 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए, मॉम डैड के बगैर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं। आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए यहाँ पे? तीन चार दोस्त है साथ में। कैसी है पिक्चर? मस्त है, अच्छा है, अच्छी है। ओके, हम कैसी है फिल्म? अभी तो फिल्म ऊंचाई, ओके, कैसी है फिल्म ऊंचाई? ठीक है, पिक्चर कैसी है? अच्छी है, अच्छी है। हाँ, अमन ईरानी जी है, अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन का काम अच्छा है, काम अच्छा है। कहानी कैसी है सर? अच्छी है। कैसी है सर कहानी? नो कमेंट, नो कमेंट नहीं। पिक्चर तो अच्छी है जी, पर क्या है जिंदगी, ये यही जी जी जी। कहानी कैसे लगी आपको? अच्छी है, अच्छी है। सूरज बरजात्या ने बनाई है पिक्चर? नहीं नहीं, अच्छी है। आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए यहाँ पे? तीन चार दोस्त है साथ में। देख के दिल भर गया। अच्छा, वही तो था कि याद आती। हाँ, तो आपको याद आई आपके दोस्तों की पिक्चर देख के? हाँ, सब ऊपर गए। अच्छा, कैसी लगी ऊंचाई? ऊंचाई अच्छी, बहुत अच्छी, अच्छी बनाई, सुपर हिट है, सुपर हिट बनाई। अरे बहुत अच्छा काम है सर। हाँ, बच्चन सर, बच्चन साहब, बवन ईरानी, अनुपम खेर, डैनी डैनी, डैनी सर, औसम है सर जी। डैनी सर का तो छोटा काम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट लेकिन ओके है सर का काम तो। लेकिन अमिताभ सर ने तो ना स्क्रीन फाड़ दी। अच्छा, सच बोल रहा हूँ, 80 साल की उम्र में ये
एवरेज चढ़ गए, चढ़ गए हम लोग, दो माला चढ़ते तक जाते हैं कि चढ़ जाते हैं पूरा ऊपर तक, पूरा जाते मतलब आसमान 2 किलोमीटर होगा, खाली उंगली डालो तो गॉड ऊपर से क्या हो कैसे ऐसा इतनी ऊपर उम्र में तो हम लोग यंगस्टर दो माला चढ़ते तो अरे यार बस हो गया अभी, मतलब क्या है ये फिल्म बोलते इसको, मतलब भर जाता राष्ट्रीय प्रोडक्शन, फैमिली एंटरटेनर। अरे फैमिली टोटल अभी 2-3 बार भी देखेगी बोर नहीं होंगे। नीना गुप्ता जी है, सारिका जी है, हाँ उनका भी काम बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, अच्छा है, बहुत बेहतरीन कॉमेडी एसेंस, कॉमेडी भी है सर आपको इसमें, कॉमेडी भी है, रोमांटिक भी है और सैड मोमेंट भी बहुत भारी है, मतलब देखेंगे तो रोना आ जाएगा ऐसा। बाकी अगर स्टार्स की अगर बात करें मूवी के लिए तो मैं तो 5 स्टार दूंगा, इसको 5 स्टार देंगे। काम भी सर, मतलब चारों सर लोगों का जो काम है उनके कामों को भी 5 स्टार और फिल्म को भी 5 स्टार। पिक्चर लंबी है, 3 घंटे की पिक्चर, हाँ लंबी तो है, 50 मिनट की लंबी है ऐसा, लेकिन कहीं पे भी बोर मोमेंट नहीं, क्योंकि आप एक यंग जनरेशन हो। अरे मुझे तो बहुत अच्छी लगी यंग जनरेशन। एक सीन ऐसा है जहाँ पे नीना गुप्ता बेटी है जो जी, उनका बर्थडे सिक्वेंस है वहाँ पे, वो जब लोग पहुँचते हैं ना तो लोग यंगस्टर्स बर्थडे कर रहे हैं, अभी ये ओल्ड आ गए, वो मोमेंट में थोड़ा जरा एक सीखने को मिलता है कि यार मॉम डैड के बगैर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं, सब इम्पॉसिबल है। वहाँ से हमको भी सीखने मिला कि नहीं मॉम डैड है, तुम्हारी फ्रेंड्स है कोई भी हो लेकिन मॉम डैड साथ में होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। बोमन ईरानी जी का, बोमन ईरानी, अरे सर की बात ही अलग है एकदम, उनका काम तो एकदम, उतना बोलने का जो तरीका है जो सब मुझे बहुत बेहतर है। ओके, गाने पिक्चर, गाने सर देखो इतने तो कोई सब न्यू ही है कोई ऐसा, मतलब मेरे को तो गाने भर जाते हैं कि फिल्म आती है तो गानों की जिक्र तो होता ही है। गाने तो हाँ गाने हैं अच्छे है, लेकिन अभी मैंने अभी पूरा फोकस पूरा मूवी पे था तो गाना इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। गाने भी ओके ठीक ओके है, ओके गाने ओके, ओके। पिक्चर अच्छी लगी, पिक्चर तो बहुत, मैं बताया ना आपको सीधा निकलते सुपरहिट बोल दिया मैंने। परिणीति के बारे में पूछा, परिणीति का है अच्छा ठीक है, लगी है इसमें थोड़ा बहुत परी परी लगी है बस, इसमें परी परी लगी है, नहीं तो बाकी सब इतना ओवर एक्टिंग की दुकान हो तो जी प्रियंका वैसी बात नहीं है ना, अभी प्रियंका चोपड़ा को तो निक जोनस भगा के ले गया, अभी क्या कर सकते, इनका भी काम अच्छा है, मूवी बहुत अच्छी है। क्या दिया परिणीति को, सब जैसा है कुछ आधा पौना घंटा उनको दिया, बीच बीच में, बीच बीच में मतलब अच्छा। सिर्फ एवरेस्ट पे सबको लेके जाती है okay. कुछ ऐसा मतलब खास नहीं, ऐसा कैमियो ही बोला जाए ओके, इमोशनल किया है, हाँ किया है फिल्म ने। चलिए फाइनल वर्डिक्ट, जो यंग जनरेशन के ऑडियंस है उनको क्या बोलोगे आप, ये जाके देखो सीखने मिलेगा, मॉम डैड की क्या रिस्पेक्ट होती है, बड़ों की क्या रिस्पेक्ट होती है, तो राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म में यही होता है, सिखाया जाता है, बाकी की फिल्मों की तरह नहीं क्या है और फोन बुक को कॉल लगा दिया और पब्लिक को एड़ा बना दिया। चले ओके, ऊंचाई देख के आए हो आप, कैसे लगे आपको ऊंचाई? फिल्म तो अच्छी थी, तो अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। ओके, सूरज बरजाते का डायरेक्शन है, हर बार फैमिली एंटरटेनमेंट लेके आते हैं, तो ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट ही है, ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट ही है और सीनियर सिटीजन के ऊपर ही है ज़्यादा करके, यंग जनरेशन तो मेरे ख्याल से तो नहीं आ सकती है, यंग जनरेशन मेरे ख्याल से तो नहीं देख पाएगी इसको, नहीं देख पाएंगे, नहीं देख। ओके ओके, तो जो जनरेशन ओल्डर है उनको ज़्यादा भाएगी पिक्चर, हाँ उनको भाएगी ज़्यादा। अच्छा, क्या ऐसा करना चाहिए था सूरज बरजा देने की यंग जनरेशन भी आ सकती थी, क्योंकि एक परिणीति को लेके मेरे को नहीं लगता, हाँ, उसमें थोड़ा और उसमें और कुछ ड्रामा अगर ऐड करते थे यंग जनरेशन को लेके तो मेरे ख्याल से तो हो सकता था वो। अच्छा, और ये देखने की तो फैमिली फिल्म है। ओके, और कुछ फैमिली फिल्म है, फैमिली जाने के लिए। ओके, बच्चन साहब है, अनुपम खेर, बमन ईरानी, काम कैसा है सबका? हर किसी का रोल अच्छा है उसमें, बच्चन साहब को मतलब थोड़ा उसमें क्या बोलते हैं एज अ फ्रेंड को केयर करते समय दिखाया है उसमें। अच्छा, बच्चन साहब का रोल अच्छा है उसमें। केमिस्ट्री तीनों दोस्तों की, तीनों जाते हैं एवरेस्ट तक, जमी है केमिस्ट्री, अच्छी हुई है, हाँ उसमें मतलब तीनों की अच्छी है। अच्छा ओके, अभी फीमेल जो कैरेक्टर्स है, सारिका है और नीना गुप्ता है, उनके बारे में कुछ बताइए, कैसे लगे आपको? उनका भी अच्छा है। ओके, स्क्रीन टाइम दिया है उनको बराबर? दिया दिया, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। ओके, कितने मिलेंगे आपकी तरफ से 5 में से? ऊंचाई में से 3 दे सकते हैं। 3 देंगे, गुड फिल्म, देखनी चाहिए, वर्थ वॉचिंग एज अ फैमिली, एज अ फैमिली। थैंक यू। 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए, मॉम डैड के बगैर कोई चीज पॉसिबल नहीं। आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए यहाँ पे, 3-4 दोस्त है साथ में
गया। कैसी है पिक्चर? मस्त है, अच्छा है। अच्छी है। ओके, हम कैसी है फिल्म? हाउ इज द फिल्म? ऊंचाई अच्छी है। ओके, कैसी है फिल्म? ऊंचाई ठीक है। पिक्चर कैसी है? अच्छी है। अच्छी है। अमन ईरानी जी है, अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन का काम अच्छा है। काम अच्छा है। कहानी कैसी है सर? अच्छी है। कैसी है सर कहानी? नो कमेंट। नो कमेंट नहीं। पिक्चर तो अच्छी है जी, पर क्या है जिंदगी ये जी जी जी। कहानी कैसे लगी आपको? अच्छी है। अच्छी है। सूरज बरजात्या ने बनाई है पिक्चर? नहीं नहीं अच्छी है। आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए? यहाँ पे 3-4 दोस्त है साथ में। देख के दिल भर गया। अच्छा, वही तो था कि याद आती। हाँ, तो आपको याद आई आपके दोस्तों की पिक्चर देख के? सब ऊपर गए। अच्छा, कैसी लगी ऊंचाई? ऊंचाई अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छी बनाई? सुपर हिट। सुपर हिट बनाई। अरे बहुत अच्छा काम है सर। हाँ, बच्चन सर, बच्चन साहब, पवन ईरानी, अनुपम खेर, डैनी डैनी सर, असम है सर जी। डैनी सर का तो छोटा काम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट लेकिन ओके है सर का काम तो। लेकिन अमिताभ सर ने तो ना स्क्रीन फाड़ दी सर। अच्छा, सच बोल रहा हूँ, 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए। चढ़ गए हम लोग, दो माला चढ़ते तो तक जाते कि चढ़ जाते हैं पूरा ऊपर तक, पूरा जाते मतलब आसमान 2 किलोमीटर होगा खाली, उंगली डालो तो गॉड ऊपर से क्या कैसे ऐसा इतनी ऊपर ये उम्र में तो हम लोग यंगस्टर दो माला चढ़ते तो अरे यार बस हो गया अभी। मतलब क्या है ये फिल्म बोलते इसको, मतलब भर जाता राष्ट्रीय प्रोडक्शन, फैमिली एंटरटेनर। अरे फैमिली टोटल अभी 2-3 बार भी देखेगी बोर नहीं होंगे। नीना गुप्ता जी है, सारिका जी है। हाँ, उनका भी काम बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। अच्छा है, बहुत बेहतरीन। कॉमेडी एसेंस, कॉमेडी भी है सर आपको इसमें, कॉमेडी भी है, रोमांटिक भी है, और सेट मोमेंट भी बहुत भारी है, मतलब देखेंगे तो रोना आ जाएगा ऐसा। बाकी अगर स्टार्स की अगर बात करें मूवी के लिए तो मैं तो 5 स्टार दूंगा इसको, 5 स्टार देंगे। काम भी सर, मतलब चारों सर लोगों का जो काम है उनके कामों को भी 5 स्टार्स और फिल्म को भी 5 स्टार। पिक्चर लंबी है, 3 घंटे की पिक्चर। हाँ, लंबी तो है, 50 मिनट की लंबी है ऐसा, लेकिन कहीं पे भी बोर मोमेंट नहीं, क्योंकि आप एक यंग जनरेशन हो। अरे मुझे ऑडियंस अच्छी लगी, यंग जनरेशन। एक सीन ऐसा है जहाँ पे नीना गुप्ता बेटी है जो जी, उनका बर्थडे सिक्वेंस है वहाँ पे, वो जब लोग पहुँचते हैं ना तो लोग यंगस्टर्स बर्थडे कर रहे हैं, अभी ये ओल्ड आ गए, वो मोमेंट में थोड़ा जरा एक सीखने को मिलता है कि यार मॉम डैड के बगैर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, सब इम्पॉसिबल है। okay. वहाँ से हमको भी सीखने मिला कि नहीं, मॉम डैड है तुम्हारी फ्रेंड्स है कोई भी हो, लेकिन मॉम डैड साथ में होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। बमन ईरानी जी का, बमन ईरानी, अरे सर की बात ही अलग है एकदम, उनका काम तो एकदम, उतना बोलने का जो तरीका है वो सब मुझे बहुत बेहतर है। ओके, गाने पिक्चर? गाने सर देखो इतने तो कोई सब न्यू ही है, कोई ऐसा मतलब मेरे को तो गाने बर जा दिया कि फिल्म आती है तो गानों की जिक्र तो होता ही है। गाने तो हाँ, गाने हैं अच्छे हैं, लेकिन अभी मैंने अभी पूरा फोकस पूरा मूवी पे था तो गाना इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, गाने भी ओके ठीक ओके है, ओके गाने ओके तो। पिक्चर अच्छी लगी? पिक्चर तो बहुत, में बताया ना आपको सीधा निकलते सुपर हिट बोल दिया मैंने। के परिणीति के बारे में पूछा? परिणीति का है अच्छा ठीक है, लगी इसमें थोड़ा बहुत परी परी लगी है बस, परी परी लगी है, नहीं तो बाकी सब इतना ओवर एक्टिंग की दुकानें हो जी। प्रियंका वैसी बात नहीं है ना, अभी प्रियंका चोपड़ा को तो निक जोनस भगा के ले गया, अभी क्या कर सकते, इनका भी काम अच्छा है, मूवी बहुत अच्छी है। क्या दिया परिणीति को? सब जैसा है कुछ, आधा पौना घंटा उनको दिया, बीच बीच में, बीच बीच में मतलब सिर्फ एवरेज पे सबको लेके जाती है, कुछ ऐसा मतलब खास नहीं, ऐसा कैमियो ही बोला जाए। ओके, इमोशनल किया है? हाँ किया है फिल्म ने। चलिए फाइनल वर्डिक्ट, जो यंग जनरेशन के ऑडियंस है उनको क्या बोलोगे आप? ये जाके देखो, सीखने मिलेगा, मॉम डैड की क्या रिस्पेक्ट होती है, बड़ों की क्या रिस्पेक्ट होती है, तो राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म में यही होता है, सिखाया जाता है, बाकी की फिल्मों की तरह नहीं कि आए और फोन बुक को कॉल लगा दिया और पब्लिक को एड़ा बना दिया। चले ओके, ऊंचाई देख के आए हो आप, कैसे लगे आपको ऊंचाई? फिल्म तो अच्छी थी, अच्छी है, अच्छी है, अच्छी
ओके सूरज बरजाते का डायरेक्शन है, हर बार फैमिली एंटरटेनमेंट लेके आते हैं। तो ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट नहीं है, ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट नहीं है और सीनियर सिटीजन के ऊपर ही है ज़्यादा करके। यंग जनरेशन तो मेरे ख्याल से तो नहीं आ सकती है। यंग जनरेशन मेरे ख्याल से तो नहीं देख पाएगी इसको, नहीं देख पाएंगे। ओके ओके, तो जो जनरेशन ओल्डर है उनको ज़्यादा भाएगी पिक्चर। हाँ उनको भाएगी ज़्यादा। अच्छा, क्या ऐसा करना चाहिए था सूरज बरजा देने की यंग जनरेशन भी आ सकती थी, क्योंकि एक परिणीति को लेके मेरे को नहीं लगता। हाँ, उसमें थोड़ा और उसमें और कुछ ड्रामा अगर ऐड करते थे यंग जनरेशन को लेके तो मेरे ख्याल से तो हो सकता था वो। अच्छा, और ये देखने के तो फैमिली फिल्म है। ओके, और कुछ फैमिली फिल्म है, फैमिली जाने के लिए। ओके, बच्चन साहब है, अनुपम खेर, बमन ईरानी, काम कैसा है सबका? हर किसी का रोल अच्छा है उसमें। बच्चन साहब को मतलब थोड़ा उसमें क्या बोलते हैं, एज अ फ्रेंड को केयर करते समय दिखाया है उसमें। अच्छा, बच्चन साहब का रोल अच्छा है उसमें। केमिस्ट्री तीनों दोस्तों की जो जाते हैं एवरेस्ट तक, जमी है, केमिस्ट्री अच्छी हुई है। हाँ, उसमें मतलब तीनों की अच्छी है। अच्छा, ओके। अभी फीमेल जो कैरेक्टर्स है, सारिका है और नीना गुप्ता है, उनके बारे में कुछ बताइए, कैसे लगे आपको? उनका भी अच्छा है। ओके, स्क्रीन टाइम दिया है उनको बराबर? दिया, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। ओके, कितने मिलेंगे आपकी तरफ से? पाँच में से ऊंचाई में से तीन दे सकते हैं। तीन देंगे, गुड फिल्म, देखनी चाहिए, वर्थ वॉचिंग एज अ फैमिली। थैंक यू। 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए, मॉम डैड के बगैर कोई चीज पॉसिबल नहीं। आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए यहाँ पे? तीन चार दोस्त है साथ में। दिल भर गया। कैसी है पिक्चर? अच्छा है, अच्छी है। ओके, हम कैसी है फिल्म? अभी तो फिल्म ऊंचाई। ओके, कैसी है फिल्म ऊंचाई? ठीक है, पिक्चर कैसी है? अच्छी है। अच्छी है, अमन ईरानी जी है, अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन का काम अच्छा है। काम अच्छा है। कहानी कैसी है सर? अच्छी है। कैसी है सर कहानी? नो कमेंट। नहीं, पिक्चर तो अच्छी है जी। क्या है जिंदगी, ये जी जी जी। कहानी कैसे लगी आपको? अच्छी है, अच्छी है। सूरज बरजाते ने बनाई है पिक्चर? नहीं, अच्छी है। आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए यहाँ पे? तीन चार दोस्त है साथ में। दिल भर गया, देख के दिल भर गया। अच्छा, वही तो था कि ये होती। हाँ, तो आपको याद आई आपके दोस्तों की पिक्चर देख के? हाँ, सब ऊपर गए। अच्छा, कैसी लगी ऊंचाई? ऊंचाई अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छी बनाई, सुपर हिट है। सुपर हिट बनाई। अरे बहुत अच्छा काम है सर। हाँ, बच्चन सर, बच्चन साहब, भवन ईरानी, अनुपम खेर, डैनी डैनी सर, awesome है सर जी। डैनी सर का तो छोटा काम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट लेकिन ओके है सर का काम तो। लेकिन अमिताभ सर ने तो ना स्क्रीन फाड़ दी। अच्छा, सच बोल रहा हूँ, 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए। चढ़ गए सर, हम लोग दो माला चढ़ते तो जाते कि चढ़ जाते पूरा ऊपर तक, पूरा जाते मतलब आसमान 2 किलोमीटर होगा, खाली उंगली डालो तो गॉड ऊपर से क्या कैसे ऐसा इतनी ऊपर ये उम्र में। तो हम लोग यंगस्टर दो माला चढ़ते तो अरे यार बस हो गया अभी, मतलब क्या है ये फिल्म बोलते इसको, मतलब भर जाता राष्ट्रीय प्रोडक्शन, फैमिली एंटरटेनर। अरे फैमिली टोटल, अभी दो तीन बार भी देखेगी बोर नहीं होंगे। नीना गुप्ता जी है, सारिका जी है। हाँ, उनका भी काम बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। अच्छा है, बहुत बेहतरीन। कॉमेडी एसेंस, कॉमेडी भी है सर आपको इसमें, कॉमेडी भी है, रोमांटिक भी है और सैड मोमेंट भी बहुत भारी है, मतलब देखेंगे तो रोना आ जाएगा ऐसा। बाकी अगर स्टार्स की अगर बात करें मूवी के लिए तो मैं तो 5 स्टार दूंगा इसको, 5 स्टार देंगे। काम भी सर, मतलब चारों सर लोगों का जो काम है उनके कामों को भी 5 स्टार्स और फिल्म को भी 5 स्टार। पिक्चर लंबी है, 3 घंटे की पिक्चर। हाँ, लंबी तो है, 50 मिनट की लंबी है, लेकिन कहीं पे भी बोर मूवमेंट नहीं, क्योंकि आप एक यंग जनरेशन हो।
अरे मुझे तो बहुत अच्छी लगी यंग जनरेशन। एक सीन ऐसा है जहाँ पे नीना गुप्ता बेटी है जो जी, उनका बर्थडे सीक्वेंस है वहाँ पे, वो जब लोग पहुँचते हैं ना तो लोग यंगस्टर्स बर्थडे कर रहे हैं, अभी ये ओल्ड आ गए, वो मोमेंट में थोड़ा जरा एक सीखने को मिलता है कि यार मॉम डैड के बगैर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, सब इम्पॉसिबल है। वहाँ से हमको भी सीखने मिला कि नहीं मॉम डैड है तुम्हारी फ्रेंड से कोई भी हो लेकिन मॉम डैड साथ में होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। बम्मा निरानी जी का, बम्मा निरानी, अरे सर की बात ही अलग है एकदम, उनका काम तो एकदम उतना बोलने का जो तरीका है जो सब कुछ है बहुत बेहतर है। ओके गाने पिक्चर गाने सर देखो इतने तो कोई सब न्यू ही है कोई ऐसा मतलब मेरे को तो गाने बरजा दिया कि फिल्म आती है तो गानों की जिक्र तो होता ही है। गाने तो हाँ गाने हैं अच्छे है लेकिन अभी मैंने अभी पूरा फोकस पूरा मूवी पे था तो गाना इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। गाने भी ओके ठीक ओके है। ओके गाने ओके तो। पिक्चर अच्छी लगी। पिक्चर तो बहुत में बताया ना आपको सीधा निकलते सुपर हिट बोल दिया मैंने। के परिणीति के बारे में पूछा नहीं मैंने। परिणीति का है हां ठीक है लगी है इसमें थोड़ा बहुत परी परी लगी है बस। अच्छा परी इसमें परी परी लगी है नहीं तो बाकी सब इसमें ओवर एक्टिंग की दुकान है तो जी प्रियंका वैसी बात नहीं है ना अभी प्रियंका चोपड़ा को तो निक जोनस भगा के ले गया अभी क्या कर सकते इनका भी काम अच्छा है मूवी बहुत अच्छी है। क्या दिया परिणीति सब जैसा है कुछ आधा पौना घंटा उनको दिया बीच बीच में मतलब अच्छा। सिर्फ एवरेस्ट पे सबको लेके जाती है okay. कुछ ऐसा मतलब खास नहीं ऐसा कैमियो ही बोला जावे ओके इमोशनल किया है हाँ किया है फिल्म ने। चलिए फाइनल वर्डिक्ट जो यंग जनरेशन के ऑडियंस है उनको क्या बोलोगे आप? ये जाके देखो सीखने मिलेगा मॉम डैड की क्या रिस्पेक्ट होती है बड़ों की क्या रिस्पेक्ट होती है फिर राशि प्रोडक्शंस की फिल्म में यही होता है सिखाया जाता है बाकी की फिल्मों की तरह नहीं क्या है और फोन बुक को कॉल लगा दिया और पब्लिक को एड़ा बना दिया। चले ओके ऊंचाई देख के आए हो आप कैसे लगे आपको ऊंचाई? फिल्म तो अच्छी थी अच्छी है अच्छी है पिक्चर ओके सूरज बरजाते का डायरेक्शन है हर बार फैमिली एंटरटेनमेंट लेके आते हैं तो ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट ही है ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट ही है और सीनियर सिटीजन के ऊपर ही है ज़्यादा करके यंग जनरेशन तो मेरे ख्याल से तो नहीं आ सकती है यंग जनरेशन मेरे ख्याल से तो नहीं देख पाएगी इसको नहीं देख पाएंगे नहीं ओके ओके तो जो जनरेशन ओल्डर है उनको ज़्यादा भाएगी पिक्चर हाँ उनको भाएगी ज़्यादा अच्छा क्या ऐसा करना चाहिए था सूरज बरजा देने की यंग जनरेशन भी आ सकती थी क्योंकि एक परिणीति को लेके मेरे को नहीं लगता हाँ, उसमें थोड़ा और उसमें और कुछ ड्रामा अगर ऐड करते थे यंग जनरेशन को लेके तो मेरे ख्याल से तो हो सकता था वो अच्छा। पर ये देखने गई तो फैमिली फिल्म है ओके और कुछ फैमिली फिल्म है फैमिली जाने चाहिए देखने के लिए ओके बच्चन साहब है अनुपम खेर बच्चन साहब मतलब काम कैसा है सबका हर किसी का रोल अच्छा है उसमें बच्चन साहब को मतलब थोड़ा उसमें क्या बोलते हैं एज अ फ्रेंड को केयर करते समय दिखाया उसमें अच्छा बच्चन साहब का रोल अच्छा है उसमें केमिस्ट्री तीनों दोस्तों की तीनों जो जाते हैं एवरेस्ट तक जमी है केमिस्ट्री अच्छी हुई है हाँ उसमें मतलब तीनों की अच्छी है अच्छा ओके अभी फीमेल जो कैरेक्टर्स है सारिका है और नीना गुप्ता है उनके बारे में कुछ बताइए कैसे लगे आपको उनका भी अच्छा है ओके स्क्रीन टाइम दिया है उनको बराबर दिया दिया ठीक ठाक है ठीक ठाक है ओके कितने मिलेंगे आपकी तरफ से पाँच में से ऊंचाई में से तीन दे सकते हैं तीन देंगे गुड फिल्म देखनी चाहिए वर्थ वॉचिंग एज अ फैमिली एज अ फैमिली 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए मॉम डैड के बगैर कोई चीज पॉसिबल नहीं आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए यहाँ पे तीन चार दोस्त है साथ में दिल भर गया कैसी है पिक्चर अच्छा है ओके हम कैसी है फिल्म अभी तो फिल्म ऊंचाई ओके कैसी है फिल्म ऊंचाई ठीक है पिक्चर कैसी है अच्छी है हाँ अमन ईरानी जी है अमिताभ बच्चन है अमिताभ बच्चन का काम अच्छा है कहानी कैसी है सर अच्छी है कैसी है सर कहानी नो कमेंट नहीं पिक्चर तो अच्छी है जी क्या है जिंदगी ये जी 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 कहानी कैसे लगी आपको अच्छी है सूरज बरजाते ने बनाई है पिक्चर
नहीं नहीं अच्छी है। आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए? यहाँ पे 3-4 दोस्त है साथ में। दिल भर गया, देख के दिल भर गया। अच्छा वही तो था कि याद आती। हाँ, तो आपको याद आई आपके दोस्तों की पिक्चर देख के? सब ऊपर गए। अच्छा, कैसी लगी ऊंचाई? ऊंचाई अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छी बनाई, सुपर हिट बनाई। अरे बहुत अच्छा काम है सर। हाँ, बच्चन सर, बच्चन साहब, भवन ईरानी, अनुपम खेर, डैनी डैनी सर, औसम है सर जी। डैनी सर का तो छोटा काम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट लेकिन ओके है सर का काम तो। लेकिन अमिताभ सर ने तो ना स्क्रीन फाड़ दी सर। अच्छा, सच बोल रहा हूँ, 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए। चढ़ गए सर, हम लोग दो माला चढ़ते हैं तो तक जाते कि चढ़ जाते हैं पूरा ऊपर तक, पूरा जाते मतलब आसमान 2 किलोमीटर होगा, खाली उंगली डालो तो गॉड ऊपर से क्या कैसे ऐसा इतनी ऊपर ये उम्र में। तो हम लोग यंगस्टर दो माला चढ़ते तो अरे यार बस हो गया अभी, मतलब क्या है ये फिल्म बोलते इसको, मतलब भर जाता राष्ट्रीय प्रोडक्शन, फैमिली एंटरटेनर। अरे फैमिली टोटल, अभी 2-3 बार भी देखी बोर नहीं होंगे। नीना गुप्ता जी है, सारिका जी है, हाँ उनका भी काम बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। अच्छा है, बहुत बेहतरीन कॉमेडी एसेंस, कॉमेडी भी है सर आपको इसमें, कॉमेडी भी है, रोमांटिक भी है, और सेट मोमेंट भी बहुत भारी है, मतलब देखेंगे तो रोना आ जाएगा ऐसा। बाकी अगर स्टार्स की अगर बात करें मूवी के लिए तो मैं तो 5 स्टार दूंगा इसको, 5 स्टार देंगे। काम भी सर, मतलब चारों सर लोग का जो काम है उनके कामों को भी 5 स्टार्स और फिल्म को भी 5 स्टार। पिक्चर लंबी है, 3 घंटे की पिक्चर। हाँ लंबी तो है, 50 मिनट की लंबी है ऐसा, लेकिन कहीं पे भी बोर मोमेंट नहीं, क्योंकि आप एक यंग जनरेशन हो। अरे मुझे ऑडियंस अच्छी लगी, यंग जनरेशन। एक सीन ऐसा है जहाँ पे नीना गुप्ता बेटी है जो जी, उनका बर्थडे सिक्वेंस है वहाँ पे, वो जब लोग पहुँचते हैं ना तो लोग यंगस्टर्स बर्थडे कर रहे हैं, अभी ये ओल्ड आ गए, वो मोमेंट में थोड़ा ज़रा एक सीखने को मिलता है कि यार मॉम डैड के बगैर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, सब इम्पॉसिबल है। okay. वहाँ से हमको भी सीखने मिला कि नहीं मॉम डैड है तुम्हारी फ्रेंड से कोई भी हो, लेकिन मॉम डैड साथ में होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। बमन ईरानी जी का, बमन ईरानी, अरे सर की बात ही अलग है एकदम, उनका काम तो एकदम, उतना बोलने का जो तरीका है जो सब कुछ है बहुत बेहतर है। ओके, गाने पिक्चर, गाने सर देखो इतने तो कोई सब न्यू ही है, कोई ऐसा मतलब मेरे को तो गाने बजा दिया कि फिल्म आती है तो गानों की जिक्र तो होता ही है। गाने तो हाँ, गाने हैं अच्छे है, लेकिन अभी मैंने अभी पूरा फोकस पूरा मूवी पे था तो गाना इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। गाने भी ओके ठीक ओके है, ओके गाने ओके, पिक्चर अच्छी लगी। पिक्चर तो बहुत, मैं बताया ना आपको सीधा निकलते सुपर हिट बोल दिया मैंने। ओके, परिणीति के बारे में पूछा, परिणीति का है अच्छा ठीक है, लगी है इसमें थोड़ा बहुत, परी परी लगी है बस, इसमें परी परी लगी है, नहीं तो बाकी सब इतना ओवर एक्टिंग की दुकान है। तो जी प्रियंका वैसी बात नहीं है ना, अभी प्रियंका चोपड़ा को तो निक जोनस तो भगा के ले गया, अभी क्या कर सकते, इनका भी काम अच्छा है, मूवी बहुत अच्छी है। क्या दिया परिणीति को? सब जैसा है, कुछ आधा पौना घंटा उनको दिया, बीच बीच में मतलब सिर्फ एवरेज पे सबको लेके जाती है, कुछ ऐसा मतलब खास नहीं, ऐसा कैमियो ही बोला जाए। ओके, इमोशनल किया है। हाँ किया फिल्म ने। चलिए फाइनल वर्डिक्ट, जो यंग जनरेशन के ऑडियंस है उनको क्या बोलोगे आप? ये जाके देखो, सीखने मिलेगा, मॉम डैड की क्या रिस्पेक्ट होती है, बड़ों की क्या रिस्पेक्ट होती है, तो राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म में यही होता है, सिखाया जाता है, बाकी की फिल्मों की तरह नहीं क्या आया और फोन बुक को कॉल लगा दिया और पब्लिक को एड़ा बना दिया। चले ओके, ऊंचाई देख के आए हो आप, कैसे लगे आपको ऊंचाई? फिल्म तो अच्छी थी, अच्छी है, अच्छी है। ओके, सूरज बरजाते का डायरेक्शन है, हर बार फैमिली एंटरटेनमेंट लेके आते हैं, तो ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट ही है, ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट ही है, और सीनियर सिटीजन के ऊपर ही है ज़्यादा करके, यंग जनरेशन तो मेरे ख्याल से तो नहीं आ सकती है। यंग जनरेशन मेरे ख्याल से तो नहीं देख पाएगी इसको, नहीं देख पाएंगे। ओके ओके, तो जो जनरेशन ओल्डर है उनको ज़्यादा भाएगी पिक्चर? हाँ उनको भाएगी ज़्यादा। अच्छा, क्या ऐसा करना चाहिए था सूरज बरजाते ने कि यंग जनरेशन भी आ सकती थी, क्योंकि एक परिणीति को लेके मेरे को नहीं लगता। हाँ, उसमें थोड़ा और आएगी, उसमें और कुछ ड्रामा अगर ऐड करते थे यंग जनरेशन को लेके तो मेरे ख्याल से तो हो सकता था वो। अच्छा, पर ये देखने के तो फैमिली फिल्म है। ओके, और कुछ फैमिली फिल्म है, फैमिली जाने के लिए।
ओके बच्चन साहब है अनुपम खेर बम्मन ईरानी डैनी मतलब काम कैसा है सबका हर किसी का रोल अच्छा है उसमें बच्चन साहब को मतलब थोड़ा उसमें क्या बोलते हैं एज अ फ्रेंड वो केयर करते समय दिखाया उसमें बच्चन साहब का रोल अच्छा है उसमें केमिस्ट्री तीनों दोस्तों की तीनों जाते हैं एवरेस्ट तक जमी है केमिस्ट्री अच्छी हुई है हाँ उसमें मतलब तीनों की अच्छी है अच्छा ओके अभी फीमेल जो कैरेक्टर्स है सारिका है और नीना गुप्ता है उनके बारे में कुछ बताइए कैसे लगे आपको उनका भी अच्छा है ओके स्क्रीन टाइम दिया है उनको बराबर दिया दिया ठीक ठाक है ठीक ठाक है ओके कितने मिलेंगे आपकी तरफ से पाँच में से ऊंचाई में से तीन दे सकते हैं तीन देंगे गुड फिल्म देखनी चाहिए वर्थ वॉचिंग एज अ फैमिली एज अ फैमिली 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए मॉम डैड के बगैर कोई चीज पॉसिबल नहीं आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए यहाँ पे तीन चार दोस्त है साथ में दिल दिल भर गया कैसी है पिक्चर मस्त है अच्छा है ओके हम कैसी है फिल्म अभी तो फिल्म ऊंचाई ओके कैसी है फिल्म ऊंचाई ठीक है पिक्चर कैसी है अच्छी है अमन ईरानी जी है अमिताभ बच्चन है अमिताभ बच्चन का काम अच्छा है काम अच्छा है कहानी कैसी है सर अच्छी है कैसी है सर कहानी नो कमेंट नहीं पिक्चर तो अच्छी है जी क्या है जिंदगी ये यही जी 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 कहानी कैसे लगी आपको अच्छी है अच्छी है सूरज बरजात्या ने बनाई है पिक्चर नहीं अच्छी है आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए यहाँ पे तीन चार दोस्त है साथ में दिल भर गया अच्छा वही तो होती हाँ तो आपको याद आई आपके दोस्तों की पिक्चर देख के सब ऊपर गए अच्छा कैसी लगी ऊंचाई अच्छी बहुत अच्छी अच्छी बनाई सुपर हिट बनाई अरे बहुत अच्छा काम है सर हाँ बच्चन सर बच्चन साहब भवन ईरानी अनुपम खेर डैनी डैनी सर औसम है सर जी डैनी सर का तो छोटा काम है ज़्यादा बड़ा नहीं है बट लेकिन ओके है सर का काम तो लेकिन अमिताभ सर ने तो ना स्क्रीन फाड़ दी अच्छा सच बोल रहा हूँ 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए चढ़ गए हम लोग दो माला चढ़ते हैं तो जाते कि चढ़ जाते हैं पूरा ऊपर तक पूरा जाते मतलब आसमान 2 किलोमीटर होगा खाली उंगली डालो तो गॉड ऊपर से क्या कैसे ऐसा इतनी ऊपर ये उम्र में तो हम लोग यंगस्टर दो माला चढ़ते तो अरे यार बस हो गया अभी मतलब क्या है ये फिल्म बोलते इसको मतलब बरजाता राष्ट्रीय प्रोडक्शन फैमिली एंटरटेनर अरे फैमिली टोटल अभी दो तीन बार भी देखेगी बोर नहीं होंगे अब नीना गुप्ता जी है सारिका जी है हाँ उनका भी काम बहुत बेहतर है बहुत अच्छा है अच्छा है बहुत बेहतरीन कॉमेडी एसेंस कॉमेडी भी है सर आपको इसमें कॉमेडी भी है रोमांटिक भी है और सैड मोमेंट भी बहुत भारी है मतलब देखेंगे तो रोना आ जाएगा ऐसा बाकी अगर स्टार्स की अगर बात करें मूवी के लिए तो मैं तो 5 स्टार दूंगा इसको 5 स्टार देंगे काम भी सर मतलब चारों सर लोगों का जो काम है उनके कामों को भी 5 स्टार और फिल्म को भी 5 स्टार पिक्चर लंबी है 3 घंटे की पिक्चर हाँ लंबी तो है 50 मिनट की लंबी है ऐसा लेकिन कहीं पे भी बोर मोमेंट नहीं क्योंकि आप एक यंग जनरेशन हो अरे मुझे ऑडियंस आपकी यंग जनरेशन एक सीन ऐसा है जहाँ पे नीना गुप्ता बेटी है जो जी उनका बर्थडे सिक्वेंस है वहाँ पे वो जब लोग पहुँचते हैं ना तो लोग यंगस्टर्स बर्थडे कर रहे हैं अभी ये ओल्ड आ गए वो मोमेंट में थोड़ा ज़रा एक सीखने को मिलता है कि यार मॉम डैड के बगैर कोई चीज पॉसिबल नहीं सब इम्पॉसिबल है okay. वहाँ से हमको भी सीखने मिला कि नहीं मॉम डैड है तुम्हारी फ्रेंड से कोई भी हो लेकिन मॉम डैड साथ में होना चाहिए करेक्ट करेक्ट बमन ईरानी जी का बमन ईरानी अरे सर की बात ही अलग है एकदम उनका काम तो एकदम उतना बोलने का जो तरीका है वो सब कुछ है बहुत बेहतर है ओके गाने पिक्चर गाने सर देखो इतने तो कोई सब न्यू ही है तो ऐसा मतलब मेरे को तो सूरज बरजात्या की फिल्म आती है तो गानों की जिक्र तो होता ही है गाने तो हाँ गाने हैं अच्छे हैं लेकिन अभी मैंने अभी पूरा फोकस पूरा मूवी पे था तो गाना इतना मैंने ध्यान नहीं दिया
गाने भी ओके 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 गाने ओके, पिक्चर अच्छी लगी। पिक्चर तो बहुत, में बताया ना आपको, सीधा निकलते सुपरहिट बोल दिया मैंने। ओके, परिणीति के बारे में पूछा। परिणीति का है, अच्छा ठीक है, लगी इसमें थोड़ा बहुत परी परी लगी है बस। अच्छा, परी परी, परी परी लगी है, नहीं तो बाकी सब इसमें ओवर एक्टिंग की दुकान है। जी प्रियंका वैसी बात नहीं है ना, अभी प्रियंका चोपड़ा को तो निक जोनस भगा के ले गया, अभी क्या कर सकते, इनका भी काम अच्छा है, मूवी बहुत अच्छी है। क्या दिया परिणीति? सब जैसा है, कुछ आधा पौना घंटा उनको दिया, बीच बीच में मतलब। अच्छा। सिर्फ एवरेस्ट पे सबको लेके जाती है। ओके। कुछ ऐसा मतलब खास नहीं, ऐसा कैमियो ही बोला जावे। ओके, इमोशनल किया है। हाँ, किया फिल्म ने। चलिए फाइनल वर्डिक्ट, जो यंग जनरेशन के ऑडियंस है उनको क्या बोलोगे आप? ये जाके देखो, सीखने मिलेगा, मॉम डैड की क्या रिस्पेक्ट होती है, बड़ों की क्या रिस्पेक्ट होती है। राशि प्रोडक्शंस की फिल्म में यही होता है, सिखाया जाता है, बाकी की फिल्मों की तरह नहीं कि आया और फोन बुक को कॉल लगा दिया और पब्लिक को एड़ा बना दिया। चले ओके, ऊंचाई देख के आए हो आप, कैसे लगे आपको ऊंचाई? फिल्म तो अच्छी थी, तो अच्छी है, अच्छी है पिक्चर। ओके, सूरज बरजाते का डायरेक्शन है, हर बार फैमिली एंटरटेनमेंट लेके आते हैं। तो ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट ही है, ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट ही है, और सीनियर सिटीजन के ऊपर ही है ज़्यादा करके। यंग जनरेशन तो मेरे ख्याल से तो नहीं आ सकती है। यंग जनरेशन मेरे ख्याल से तो नहीं देख पाएगी इसको, नहीं देख पाएंगे। ओके ओके, तो जो जनरेशन ओल्डर है उनको ज़्यादा भाएगी पिक्चर? हाँ, उनको भाएगी ज़्यादा। अच्छा, क्या ऐसा करना चाहिए था सूरज बरजा देने की, यंग जनरेशन भी आ सकती थी, क्योंकि एक परिणीति को लेके मेरे को नहीं लगता। हाँ, उसमें थोड़ा और कुछ ड्रामा अगर ऐड करते थे यंग जनरेशन को लेके, तो मेरे ख्याल से तो हो सकता था वो। अच्छा, और ये देखने के लिए तो फैमिली फिल्म है। ओके, और कुछ फैमिली फिल्म है, फैमिली जाने चाहिए देखने के लिए। ओके, बच्चन साहब है, अनुपम खेर, बमन ईरानी, सब मतलब काम कैसा है सबका? हर किसी का रोल अच्छा है उसमें। बच्चन साहब को मतलब थोड़ा उसमें क्या बोलते हैं, एज अ फ्रेंड को केयर करते समय दिखाया उसमें। अच्छा, बच्चन साहब का रोल अच्छा है उसमें। केमिस्ट्री तीनों दोस्तों की, तीनों जाते हैं एवरेस्ट तक, जमी है केमिस्ट्री, अच्छी हुई है। हाँ, उसमें मतलब तीनों की अच्छी है। अच्छा, ओके। अभी फीमेल जो कैरेक्टर्स है, सारिका है और नीना गुप्ता है, उनके बारे में कुछ बताइए, कैसे लगे आपको? उनका भी अच्छा है। ओके, स्क्रीन टाइम दिया है उनको बराबर? दिया दिया, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। ओके, कितने मिलेंगे आपकी तरफ से? पाँच में से ऊंचाई में से तीन दे सकते हैं। तीन देंगे, गुड फिल्म, देखनी चाहिए, वर्थ वॉचिंग एज अ फैमिली, एज अ फैमिली। थैंक यू। 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए, मॉम डैड के बगैर कोई चीज पॉसिबल नहीं। आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए यहाँ पे? तीन चार दोस्त है साथ में। कैसी है पिक्चर? मस्त है, अच्छा है। ओके, हम कैसी है फिल्म? अभी तो फिल्म ऊंचाई अच्छी लगी। कैसी है फिल्म ऊंचाई? ठीक है। पिक्चर कैसी है? अच्छी है। अच्छी है। अमन ईरानी जी है, अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन का काम अच्छा है। काम अच्छा है। कहानी कैसी है सर? अच्छी है। कैसी है सर कहानी? नो कमेंट। नो कमेंट नहीं, पिक्चर तो अच्छी है जी, पर क्या है जिंदगी, ये जी जी जी। कहानी कैसे लगी आपको? अच्छी है, अच्छी है। सूरज बरजात्या ने बनाई है पिक्चर? नहीं नहीं अच्छी है। आप अपने दोस्तों को नहीं लेके आए यहाँ पे? तीन चार दोस्त है साथ में। देख के दिल भर गया। अच्छा, वही तो था कि होती। हाँ, तो आपको याद आई आपके दोस्तों की पिक्चर देख के? सब ऊपर गए। अच्छा, कैसी लगी ऊंचाई? ऊंचाई अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छी बनाई, सुपर हिट, सुपर हिट बनाई। अरे बहुत अच्छा काम है सर। हाँ, बच्चन सर, बच्चन साहब, भवन ईरानी, अनुपम खेर, डैनी सर, औसम है सर जी। डैनी सर का तो छोटा काम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है।
बट लेकिन ओके है सर का काम तो, लेकिन अमिताभ सर ने तो ना स्क्रीन फाड़ दी। अच्छा सच बोल रहा हूँ, 80 साल की उम्र में ये एवरेज चढ़ गए, चढ़ गए हम लोग दो माले चढ़ते तक जाते कि चढ़ जाते हैं पूरा ऊपर तक पूरा जाते, मतलब आसमान 2 किलोमीटर होगा खाली, उंगली डालो तो गॉड ऊपर से क्या होगा कैसे ऐसा इतनी ऊपर ये उम्र में तो हम लोग यंगस्टर दो माला चढ़ते तो अरे यार बस हो गया अभी, मतलब क्या है ये फिल्म बोलते इसको, मतलब भर जाता राष्ट्रीय प्रोडक्शन फैमिली एंटरटेनर। अरे फैमिली टोटल अभी 2-3 बार भी देखेंगे बोर नहीं होंगे। नीना गुप्ता जी है, सारिका जी है, हाँ उनका भी काम बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। अच्छा है, बहुत बेहतरीन कॉमेडी एसेंस, कॉमेडी भी है सर आपको इसमें, कॉमेडी भी है, रोमांटिक भी है और सैड मोमेंट भी बहुत भारी है, मतलब देखेंगे तो रोना आ जाएगा ऐसा। बाकी अगर स्टार्स की अगर बात करें मूवी के लिए तो मैं तो 5 स्टार दूंगा इसको, 5 स्टार देंगे। काम भी सर, मतलब चारों सर लोगों का जो काम है उनके कामों को भी 5 स्टार और फिल्म को भी 5 स्टार। पिक्चर लंबी है, 3 घंटे की पिक्चर, हाँ लंबी तो है, 50 मिनट की लंबी है ऐसा, लेकिन कहीं पे भी बोर मोमेंट नहीं, क्योंकि आप एक यंग जनरेशन हो। अरे मुझे ऑडियंस अच्छी लगी, यंग जनरेशन। एक सीन ऐसा है जहाँ पे नीना गुप्ता बेटी है जो जी, उनका बर्थडे सिक्वेंस है वहाँ पे, वो जब लोग पहुँचते हैं ना तो लोग यंगस्टर्स बर्थडे कर रहे हैं अभी ये ओल्ड आ गए, वो मोमेंट में थोड़ा जरा एक सीखने को मिलता है कि यार मॉम डैड के बगैर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं, सब इम्पॉसिबल है। okay. वहाँ से हमको भी सीखने मिला कि नहीं मॉम डैड है तुम्हारी फ्रेंड से कोई भी हो लेकिन मॉम डैड साथ में होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, बमन ईरानी जी का, बमन ईरानी, अरे सर की बात ही अलग है एकदम, उनका काम तो एकदम उतना, बोलने का जो तरीका है जो सब कुछ है बहुत बेहतर है। ओके okay. गाने पिक्चर, गाने सर देखो इतने तो कोई सब न्यू ही है तो ऐसा, मतलब मेरे को तो सूरज बरजा दिया कि फिल्म आती है तो गानों की जिक्र तो होता ही है। गाने तो हाँ गाने हैं अच्छे है, लेकिन अभी मैंने अभी पूरा फोकस पूरा मूवी पे था तो गाना इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। गाने भी ओके ठीक ओके है, ओके गाने ओके, पिक्चर अच्छी लगी। पिक्चर तो बहुत, मैं बताया ना आपको सीधा निकलते सुपरहिट बोल दिया मैंने। के परिणीति के बारे में पूछा, परिणीति का है अच्छा ठीक है, लगी है इसमें थोड़ा बहुत परी परी लगी है बस, परी 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 लगी है, नहीं तो बाकी सब इसमें ओवर एक्टिंग की दुकानें हो जी। प्रियंका वैसी बात नहीं है ना, अभी प्रियंका चोपड़ा को तो निक जोनस भगा के ले गया, अभी क्या कर सकते, इनका भी काम अच्छा है, मूवी बहुत अच्छी है। क्या दिया परिणीति को, सब जैसा है कुछ आधा पौना घंटा उनको दिया, बीच बीच में मतलब अच्छा। सिर्फ एवरेज पे सबको लेके जाती है okay. कुछ ऐसा मतलब खास नहीं, ऐसा कैमियो ही बोला जाए। ओके इमोशनल किया है, हाँ किया फिल्म ने। चलिए फाइनल वर्डिक्ट, जो यंग जनरेशन के ऑडियंस है उनको क्या बोलोगे आप? ये जाके देखो सीखने मिलेगा, मॉम डैड की क्या रिस्पेक्ट होती है, बड़ों की क्या रिस्पेक्ट होती है, फिर राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म में यही होता है, सिखाया जाता है बाकी की फिल्मों की तरह नहीं, क्या है और फोन बुक को कॉल लगा दिया और पब्लिक को एड़ा बना दिया। चले ओके, ऊंचाई देख के आए हो आप, कैसे लगे आपको ऊंचाई? फिल्म तो अच्छी थी, अच्छी है, अच्छी है पिक्चर। ओके सूरज बरजाते का डायरेक्शन है, हर बार फैमिली एंटरटेनमेंट लेके आते हैं, तो ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट नहीं है, ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट नहीं है और सीनियर सिटीजन के ऊपर ही है ज़्यादा करके, यंग जनरेशन तो मेरे ख्याल से तो नहीं आ सकती है। यंग जनरेशन मेरे ख्याल से तो नहीं देख पाएगी इसको, नहीं देख पाएंगे नहीं। ओके ओके, तो जो जनरेशन ओल्डर है उनको ज़्यादा भाएगी पिक्चर? हाँ उनको भाएगी ज़्यादा। अच्छा, क्या ऐसा करना चाहिए था सूरज बरजा देने की, यंग जनरेशन भी आ सकती थी, क्योंकि एक परिणीति को लेके मेरे को नहीं लगता उसमें थोड़ा और आएगी? उसमें और कुछ ड्रामा अगर ऐड करते थे यंग जनरेशन को लेके तो मेरे ख्याल से तो हो सकता था वो। अच्छा, और ये देखने की तो फैमिली फिल्म है। ओके, और कुछ फैमिली फिल्म है, फैमिली जाने फैमिली चाहिए देखने के लिए। ओके, बच्चन साहब है, अनुपम खेर, बमन ईरानी, सब मतलब काम कैसा है सबका? हर किसी का रोल अच्छा है उसमें, बच्चन साहब को मतलब थोड़ा उसमें क्या बोलते हैं एज अ फ्रेंड को केयर करते समय दिखाया उसमें। अच्छा, बच्चन साहब का रोल अच्छा है उसमें। केमिस्ट्री तीनों दोस्तों की, तीनों जो जाते हैं एवरेस्ट तक, जमी है, केमिस्ट्री अच्छी हुई है। हाँ उसमें मतलब तीनों की अच्छी है। अच्छा ओके, अभी फीमेल जो कैरेक्टर्स है, सारिका है और नीना गुप्ता है, उनके बारे में कुछ बताइए, कैसे लगे आपको? उनका भी अच्छा है। ओके, स्क्रीन टाइम दिया है उनको बराबर? दिया दिया, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। ओके, कितने मिलेंगे आपकी तरफ से? 5 में से ऊंचाई में से 3 दे सकते हैं। 3 देंगे, गुड फिल्म, देखनी चाहिए, वर्थ वॉचिंग एज अ फैमिली, एज अ फैमिली। थैंक यू।